कैसे हो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा फिर से मॉन्स्टर हंटर के एक और नए एपिसोड पे। तो लास्ट टाइम अगर याद होगा, रेजिंग ब्रैकिडियोस का हंट किया था मैंने, और आज के एपिसोड में समझ ही गए होंगे मैं क्या करने वाला हूँ। रेजिंग ब्रैकिडियोस का आर्मर क्राफ्ट करना है मुझे, तो चलता उसको फिर से हंट करने। बस है यही कि इस बार मैं देखूंगा कि और कोई भी हंट कर रहा है कि नहीं, और अगर कोई और हंट कर रहा होगा तो मैं उसको ज्वाइन करूंगा, अगर नहीं कर रहा तो अब क्या ही कर सकते, खुद ही शुरू करना पड़ेगा। चलो देखते हैं अवेलेबल पे है कि नहीं। किरिन द मिथ, नहीं। स्पेशल असाइनमेंट्स ऑप्शनल में देखते हैं। एक ही ब्रेक ही हार्ट यार, 0 मिनट पहले शुरू हुआ है, बंदे ने जस्ट शुरू करी है गेम, तो चलो शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। और देख ही सकते हो उसी टाइम मैंने पिछले एपिसोड में एक नया आर्मर ही बनाया था। यार मॉन्स्टर हंटर जो है उसकी डिफ़िकल्टी शुरू में पूछी नहीं जाती कि इजी है मीडियम है या अरे यार कैसे, इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट हो गया क्या? खैर कोई दिक्कत नहीं, फिर से शुरू करते हैं, देखता हूँ वो लोग है कि नहीं। अरे यार ऑप्शनल में ना है ही नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। ऑप्शनल में जाऊँगा और एक ही ब्रेक ही हार्ट, यहाँ पर देख ही सकते हो स्पेशल अरीना स्टीजन जिनोगर है, स्पेशल अरीना में जिनोगर भी है, लेकिन उसको छोड़ के एक ही ब्रेक ही हार्ट पे चलते हैं। और यहाँ पर मैं क्या कहते हैं SOS फ्लेयर भी डाल दूंगा, ताकि अगर कोई हेल्प करना चाहे तो वो कर सकता है। तो लास्ट टाइम मैंने आर्मर क्राफ्ट किया था और मैं बात कर रहा था डिफ़िकल्टी के बारे में। तो मॉन्स्टर हंटर में डिफ़िकल्टी ऐसे ही डिसाइड होती है, शुरू में कुछ रहता नहीं कि ईजी है मीडियम है हार्ड है, नहीं, अपनी डिफ़िकल्टी खुद ही डिसाइड करनी पड़ती है कि कितना डिफ़िकल्ट बनाना चाहते हो। और जैसे कि मेरे को डिफेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, मेरे को ज़रूरत थी कि जब भी मैं प्रॉपर टाइम पे ईवेड करूँ तब मेरे को फालतू के अटैक्स ना लगे, उसके फालतू के क्या कहते हैं एरिया अटैक्स वगैरह ना लगे, तो वही मैंने क्राफ्ट किया। कुछ कुछ लोगों का रहता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा डिफेंसिवली खेलते हैं तो आर्मर पे डिफेंस स्टैकअप करते रहते हैं, राइट, तो उसमें भी खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका अपना अपना प्ले स्टाइल होता है। आइटम बॉक्स में जाऊंगा और देखूंगा, ट्रैप टूल्स है मेरे पास, बहुत सही ट्रैप टूल्स है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, शुरू में ही ट्रैप करके उसको एक बार टेंडराइज मार सकता हूँ। ट्रैप टूल्स कर्सर पे ले आता हूँ, अरे हाँ इससे पहले तो मैं भूल ही गया, SOS फ्लेयर फायर कर देता हूँ मैं, तो ये जा चुका है SOS फ्लेयर। पॉड्स मिल चुके मेरे को, ये पहला टेंडराइज लग चुका है, दूसरा भी लग चुका है, बहुत सही। एक दो तीन, बढ़िया, और ये मार दिया मैंने फ्रेंच शॉट, बहुत सही। तो यार अब तो सही है, पहला स्पिरिट गेज फुल करना है, इसकी टाइमिंग मुझे कभी भी समझ नहीं आती कि कब ये रोल करता है। उस साइड फिर से फोर साइड, बढ़िया, फोर साइड, उसके बॉम्ब से लग गया, खैर कोई दिक्कत नहीं खुद को। अरे साइड, हेल्म ब्रेकर का बढ़िया मौका है, बहुत सही। तो देख ही सकते हो यार, पहला स्टन मिल चुका है मेरे को, दो तीन चार पांच छह, फोर साइड कंप्लीटली हो पाया, लिया स्पिरिट स्लैश बहुत सही टाइम पे लगा है। डॉज,
अरे यार गलत टाइम पे लिया स्प्रिट चार्ज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से कर लेता हूँ मैं खुद को। ही लगता है आइटम्स रीस्टॉक करना ही भूल गया मैं। खैर ईमोट्स मार रहा हूँ मैं बार बार। गया मैं इसके यही मूव मेरे को बड़े खतरनाक लगते हैं। बहुत जल्दी फटा उसका ये वाला बॉम्ब। पी लेता हूं मैं हेल्थ पोशन। यार कैसे यार मैं उसके रेंज से बाहर था फिर भी। पूछ कर लेता हूं टेंडराइज में। ओहो नाइस सर पे, बढ़िया था। खैर कोई दिक्कत नहीं, नीचे की तरफ जा रहा है वो, लेकिन उससे पहले मैं चला जाऊंगा अपने कैंप में और कैंप से मैं अपने आइटम्स रीस्टॉक करके फिर आ जाऊंगा। ब्रैकिडियोज में शुरू के फाइट में यूजुअली ईवेड विंडो और ईवेड एक्सटेंडर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। ब्रैकिडियोज का फाइट अगर मैं समझ के चलूँ कि किस हिसाब से मैं इसको जज करूँगा, तो मैं कहूँगा कि ये फाइट जो है मैराथन ज़्यादा है और स्प्रिंट कम है। पेशेंस रहना पड़ेगा इस फाइट में, राइट। और क्या था, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, ये सब भी है। मेगा पोशन नहीं है मेरे पास, तो मेगा पोशन क्राफ्ट कर लूँगा मैं। राइट चेंज इक्विपमेंट, नहीं आइटम बॉक्स में जाऊँगा और सब कुछ रीस्टॉक। नाइस, तो मेरे पास फिर से शॉक ट्रैप है। तो शॉक ट्रैप में उसको लास्ट स्टेज पे उसको कैप्चर भी नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर शॉक ट्रैप्स लगते ही नहीं है, राइट। तो लास्ट स्टेज में शॉक ट्रैप डालने से बेटर है इसको बार बार शॉक ट्रैप डाल करके। ओके ब्रैकिडियोस देख नहीं रहा, देख लिया। अभी तक म्यूजिक नहीं बज रहा उसका। अरे यार नहीं, नहीं यार बहुत। ओके वहां पर एक है, सही टाइम पे डॉज। ये एक, ये दो, लग जा अभी, बढ़िया। देख सकते हो पूंछ टेंडराइज है। फिर भी नहीं लगा यार, फिर भी फोरसाइट इसका कभी इस टाइम पे नहीं लगता। अरे बाप रे, खैर कोई दिक्कत नहीं। कॉर्नर हुआ था लेकिन फिर भी बच गया मैं, बहुत सही। अब गया मैं। बच गया मैं। तो उसको टेंडराइज करने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि टेम्पोरल मेंटल पहन के करूं। पूंछ हो गई टेंडराइज, राइट। पहला पैर हो चुका है टेंडराइज, बहुत सही। दूसरे पैर को भी, अरे नहीं यार पूछ पे क्यों। बहुत सही,
चार पांच, छठवा लग जाएगा, लग जाएगा। नाइस, बस कर ब्रैकेट यूज, पास आ। ओके, ओहो क्या डॉज था, मैंने नहीं किया वो, टेम्पोरल मेंटल की वजह से हुआ। ओहो एक और डाउन टाइम, नाइस। बढ़िया, नहीं यार गलत टाइम पे, टेम्पोरल मेंटल का असर भी खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। थूक लगा रहा है वो अपने हाथों पे, नहीं यार एटलीस्ट वो अटैक करने दे देता। रेड पिट उठा लिया है मैंने, और देख सकते हो उसका एग्रो भी खत्म हो चुका है। तो जल्दी से बाढ़िया, ठीक है एक हेल्म ब्रेकर सर पे, मजा आ जाएगा। नाइस, 71 का डैमेज किया है, बुरा नहीं है। नीचे की तरफ जाने लगा है वो, तलवार को कर लेता हूँ शार्प और मैं खुद को कर लूँगा हील। नाइस, अभी शायद वो थोड़ा वॉल्केनिक रीजन में जाने वाला है जितना मेरे को लगता है, और वॉल्केनिक रीजन में गया वो, तो पी लेते हैं अपना कोल्ड ड्रिंक और चल देता हूँ मैं उसके पीछे। तो इस रीजन में नहीं है, यानी कि उसके फाइनल स्टेज पे मैं अभी तक पहुंचा नहीं हूँ, ठीक है। एग्रो है या नहीं है, आई गेस है। देख ही सकते यार उसके कुछ कुछ पडल्स जो है वो कितनी, बहुत ही सही टाइम पे था वो। नहीं यार नहीं, उस टाइम पे मेरे को फोर साइड डालना था, फोर साइड डाला लेकिन फिर भी डैमेज दिया। कैसे कैसे, खैर कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से पी लेता हूँ मैं सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं कोल्ड ड्रिंक। इधर देख ब्रैकेट यूज, सही टाइम पे हट गया मैं, वरना मेरे को उसका नहीं 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 अरे कोई दिक्कत नहीं, फिर से कोशिश करूंगा। एक और बार, बस बढ़िया, वॉल बैंक, नाइस, पार्ट ब्रेक मिला है मेरे को। एक और बार, सही टाइम पे तो डॉज रोल किया था, क्या हो गया। बढ़िया शॉट था, बढ़िया शॉट था, बाहर जाते हैं, बाहर जाते हैं। अरे मैं लावा से उड़ गया यार,
धन्यवाद बिल्ले, बहुत सही टाइम पे। लेकिन मेरी तलवार ही इतनी छोटी है कि पास ही नहीं पहुंच पा रहा मैं। जल्दी कॉम्बो खत्म हो जा। नाइस, बहुत संभल संभल के कदम रखने पड़ रहे हैं मेरे को कि कहीं पर भी उसकी जो स्लाइम है वो आके चिपक जा रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा कब किसको कैसे रिएक्ट करना है। तो उसके फ्रंट आने के अटैक का तो बहुत ही सही सा सलूशन है, सिंपल सा है। उसके अटैक के अंदर जाओ और उसके थ्रू डॉज रोल करो। इसको भी कर दूंगा टेंडराइज। तो यार यही है, मौका मिलते ही, जब भी मौका मिले, टेंडराइज करना ज़्यादा ज़रूरी है डैमेज देने से। फोर साइड के बाद भी अटैक लगाया, कैसे? बहुत सही, ओहो बहुत सही। हेड पे डैमेज दे सकता हूँ मैं सीधा ही, बहुत बढ़िया। लेकिन फायदा क्या हुआ इतने परफेक्शन का, जबकि आधा चीज लक बेस्ड ही था। चलो अच्छा है, वो अंदर की तरफ जा रहा है तो उसका फाइनल स्टेज होने वाला है। तो एक बार फिर से निकल लेता हूँ मैं अपने कैंप की तरफ, वहाँ से मैं अपने आइटम्स को फिर से रीस्टॉक करूँगा, फिर आऊँगा मैं इससे लड़ने। तो यार यही है, कभी भी एक स्टेप बैक ले जाना ज़रूरी है, खासकर जबकि मैं ब्रैकिडियोस से लड़ रहा हूँ, क्योंकि ऐसा वैसा प्राणी नहीं है ये। एक तो इसको कैप्चर भी नहीं किया जा सकता, वो अलग चीज़ है। ओके, फिर से चलना है अपने को वॉल्केनिक रीजन में। होपफुली कूल ड्रिंक का इफेक्ट ख़त्म ना हुआ हो। कूल ड्रिंक का इफेक्ट ख़त्म नहीं हुआ, मेरे हेल्थ बार के ऊपर ही देख सकते हो, वहाँ पर अभी भी आइकन बना हुआ आ रहा है। यार चलो चल लेते हैं ब्रैकिडियोस के इस एरिया पे। पत्थर उठा लेता हूँ मैं ताकि उसको स्टन करने का मौका मिल सके। ऑफ कोर्स, ये स्टेज मेरे को सबसे ज़्यादा गंदा लगता है यार, मैं सही बता रहा हूँ। ना तो इसको कुछ कर सकते हैं, क्यों क्यों उसने हाथ से मारा, सर से नहीं। नहीं नहीं, अरे यार लगता है टेम्पोरल मेंटल निकालना पड़ेगा मेरे को। टेम्पोरल मेंटल रेडी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। बस बस इसी की कमी थी यार, रैंडमली कहीं पर भी स्लाइम आ जाता है। एक बॉल बैंड बस, सही। बच गया मैं, अच्छा वो टेम्पोरल मेंटल था, बहुत सही। एक और, नाइस। बहुत बढ़िया, पास जाऊंगा सर के पास। और ये स्पिरिट हेल्प ब्रेकर, नाइस। बच गया मैं, बहुत सही एरिया पे हूँ मैं, बहुत ही सही एरिया पे हूँ मैं। क्यों क्यों मेरे को मारना ही नहीं है इसको, बस स्लाइम से एरिया कवर करना है। फोर साइट लिया था यार मैंने,
बुरा हुआ, जल्दी से हील करना पड़ेगा खुद को। स्लिंगर बॉम्ब उठा लेता हूँ मैं। क्यों यार, मेरे ऊपर ही क्यों? चलो अच्छा है, रेड गेज फुल हो गया मेरा। एक बार प्लीज गेम, बहुत सही। नहीं यार, पूंछ से ही इतना ज्यादा डैमेज। चलो कोई दिक्कत नहीं, आज किस्मत अच्छी है थोड़ी। सही बता रहा हूँ यार, इतनी अच्छी किस्मत मेरी कभी होती नहीं है। आज पता नहीं किस तरीके से दो दो अटैक से बच गया मैं। नहीं नहीं नहीं, अरे बहुत जल्दी खुश हो गया था मैं अपनी किस्मत को लेकर के। लगता मरने वाला हूँ मैं। फिर से बहुत सही। ओहो, ब्रैकेट ही उसका मटेरियल है, वही उठा लेता हूँ। कब तक यार, कब तक? लाइट रेजिस्टेंस है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी फालतू में हेल्थ खत्म हो जा रही है। नहीं नहीं, गया मैं, गया मैं। कैसा मैकेनिक है यार गेम का ये। कैसे, मेरे को लगी भी नहीं यार, दहाड़ से भी नहीं। बहुत सही, क्राफ्ट करके रख लेता हूँ ताकि बाद में जरूरत पड़े। नहीं 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 नहीं, गया, अब तो मैं गया, खत्म हुआ। फालतू के झंझटे हैं यार इसमें, किसी भी तरीके से जाओ मैं ही हमेशा मतलब डाउन साइड पर रहता हूँ। इसको एक बार बिना मरे तो, खासकर आखिरी स्टेज में, क्योंकि पहले की दो स्टेज जो है जिसमें बेकार के कुछ ट्रिक्स वगैरह नहीं है, उसमें तो परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, लेकिन लास्ट में परफॉर्मेंस एकदम ख़त्म हो जाती है। खैर कोई दिक्कत नहीं, फिर से ट्राई करूँगा। और लास्ट का स्टेज तुमने देखा ही होगा कि उसकी छींटे जो भी पड़ती है, क्या कहते हैं, उसकी जो भी स्लाइम की छींटे पड़ती है वो कभी भी रैंडमली किसी भी जगह पर गिर जाती है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब क्या कहते हैं, जिस जगह पर उसने मारा होगा उसी जगह पर छींटे जाएंगी, कहीं पर भी कभी भी कुछ भी छींटे जाती रहती है। तो ये एक और चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगती इसमें, खासकर इसके फाइट में। गया मैं, बच गया मैं, बहुत सही।
मैंने टेंडराइज करने का नहीं सोचा क्योंकि मुझे लगा ही था बहुत क्लोज हूँ मैं मैच के। तो देख ही सकते हो यार क्यों ऐसा हो रहा है। जैसे ही मेरे वेपन पे हेल्थ रीजनरेशन का ऑगमेंटेशन आता है तब वैसा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से मैं पीट रहा हूँ उतना बुरा तो नहीं पीटूंगा। तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि क्या कहते हैं गाइडिंग लैंड्स में मैं थोड़े से ग्राइंड वगैरह करूं और कुछ ऐसी चीज़ें कलेक्ट करूं जिससे मेरे वेपन का हेल्थ रीजनरेशन बढ़ जाए। बट खैर एक और ब्रैकेट यूज़ को ख़त्म कर दिया मैंने। पहले वाले से थोड़ा बेटर परफॉर्म था किया मैंने क्योंकि पहले वाले में एटलीस्ट 35 मिनट तो लग ही चुके थे, याद नहीं मेरे को भी सही से शायद 30 मिनट लगे थे। इस बार थोड़ा बेटर रहा, फाइट भी क्या कहते हैं फाइट भी थोड़ी सी स्मूथ गई। लास्ट स्टेज तो मैं नहीं कहूँगा कि स्मूथ गई लेकिन कंपेरेटिव टू पिछले जो भी फाइट्स थे उससे तो ज़्यादा स्मूथ गई। खैर जो भी है काफ़ी कम चीज़ें मिली हैं मुझे, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, बट ठीक है। अगर और कुछ चाहिए भी होगा तो बाद में आके कर ही सकता हूँ मैं क्राफ्ट। सेव होने में पता नहीं इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो देख लेता हूँ इसके कौन कौन से आर्मर वगैरह मैं क्राफ्ट कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं वीकनेस एक्सप्लॉइट क्राफ्ट करूँ क्योंकि वो एक अच्छा आर्मर स्किल है। फोर्ज इक्विपमेंट में जाऊँगा, वेपन्स नहीं आर्मर्स में जाऊँगा। ब्रैकिडियोस का वीकनेस एक्सप्लॉइट, लार्ज एल्डर ड्रैगन जेम चाहिए इसके लिए, बहुत सही। एजिटेटर स्किल अच्छा है वो कर सकते हैं। शाहरा इशवालदा जेम, इमॉर्टल रिएक्टर चाहिए। खैर चलो यार इसको बाद में देखते हैं। पहले देखते हैं कि ग्राइंडिंग लैंड्स में कोई उधम मचाया हुआ है कि नहीं। अगर कोई उधम मचाया हुआ होगा तो उसके साथ चल लूँगा मैं, अगर नहीं तो चल खैर कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन सेशन में भी मैं सर्च कर सकता हूँ अगर कोई गाइडिंग लैंड्स में उधम मचाया हुआ होगा कि नहीं, देखते हैं। क्वेस्ट प्रेफरेंसेस गाइडिंग लैंड्स नहीं है, गाइडिंग लैंड्स कंफर्म किया तो देख सकते हो यार यहाँ पर 8 लोग हैं, इसी को मैं ज्वाइन करूँगा। काफ़ी क्राउडेड सर्वर लग रहा है। बंदे का नाम है बोबा एंड बैक शॉट्स, बहुत सही। 8 प्लेयर्स हैं, 9 प्लेयर हो जाएंगे, दिक्कत ही नहीं रहेगी। बट अगर 8 प्लेयर है तो चांसेस है कि 4-4 करके 2 स्क्वाड्स गाइडिंग लैंड में गई होंगी और मैं शायद किसी को ज्वाइन ना कर पाऊँ। जाके देखते हैं गाइडिंग लैंड्स पे। SOS प्लेयर नहीं है अवेलेबल, पे है मेंबर ऑफ अनदर ऑनलाइन सेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स, बहुत सही। एक और बार सर्च करते हैं ऑनलाइन सेशन में। अच्छा एक काम करते हैं, उससे पहले बाकी के ऑप्शनल क्वेस्ट वगैरह कर ही लेता हूँ। कहाँ पर था, आई गेस स्पेशल असाइनमेंट्स में मेरे को मिलेंगे बाकी के क्वेस्ट, तो चल के देखते हैं। पोस्ट स्पेशल असाइनमेंट द फ्यूरी रिमेंस, ऑफ कोर्स राजांग को कैसे भूल सकता हूँ मैं। तो इसका क्वेस्ट लेके चलते हैं। इसके क्वेस्ट के लिए मेरे को फ्रॉस्ट क्राफ्ट ही सही लगता है, तो चलो चेंज कर लेता हूँ मैं इक्विपमेंट। अब मेरे को चाहिए फ्रॉस्ट क्राफ्ट, बहुत सही। और चेंज इक्विपमेंट में जाऊँगा और अपना जो इक्विपमेंट है उसको किससे वो करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। 1296 इसका डैमेज है लेकिन 450 आइस डैमेज है और एक स्लॉट है इसमें, लेकिन बैरियोथ में मेरे को मिल रहा है 15% अफिनिटी, 630 डैमेज, अच्छा खासा वाइट शार्पनेस है। तो बैरियोथ का ही मैं उठाऊंगा क्योंकि कोशिश करूंगा कि बाकी की चीज़ें मैं थोड़े से मिटिगेट कर सकूं। ईवेड विंडो अच्छा खासा है, क्रिटिकल आय अच्छा खासा है, हेल्थ बूस्ट है, फोकस है, क्विक शीथ मेरे को एक पॉइंट चाहिए। क्विक शीथ देखता हूँ मेरे पास शीथ 12 है कि नहीं। क्विक शीथ है मेरे पास, शीथ इवेजन, ओके मैं शैटिएटेड इवेजन की जगह शीथ इवेजन यूज़ कर सकता हूँ, एटलीस्ट उससे तो बेटर ही रहेगा। तो क्विक शीथ भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। खैर ये हो चुका है,
सबसे पहले कर लूंगा मील और उसके बाद निकल लूंगा द फ्यूरी रिमेन्स में। फिर से राजांग आया है फ्यूरी रिमेन्स में, तो कॉन्ग से फिर से फाइट करनी पड़ेगी। चलो चलते हैं। मैनेज आइटम सब कुछ है, बहुत सही। और डिपार्ट क्वेस्ट, इस क्वेस्ट के बाद मैं सोच रहा हूँ कि एक दो इवेंट क्वेस्ट मैं तुम्हें बताऊँ कि कौन कौन से इवेंट क्वेस्ट कुछ आइटम्स फार्मिंग के लिए कैसे रहते हैं। इनफैक्ट कुछ कुछ इवेंट क्वेस्ट तो ऐसे हैं कि स्टीम वर्क्स पे जा करके बहुत ज़्यादा ट्रायल्स मिल सकते हैं उस पर। तो हॉट ड्रिंक्स मेरे को चाहिए सबसे पहले तो, और हॉट ड्रिंक्स नहीं है मेरे पास। बहुत सही, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। आइटम बॉक्स में जाके हॉट ड्रिंक्स क्राफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास कुछ ऑलरेडी पड़े हुए हैं। नाइस, तो यूजुअली बैरियोथ यहाँ पर रहता है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रजांग भी यहीं पर है। तो देख ही सकते हो यार, इसका ऑलरेडी फर गोल्डन है, तो इसका ये मतलब है कि डोंट लेट इट पिन यू डाउन, ठीक है ना, ये सही मौका नहीं है। पास आओ रजांग, ओहो एक शॉट ले सकता हूँ मैं, एक शॉट ले सकता हूँ क्या, नहीं ले सकता। क्या हुआ ये स्प्रिंट शॉट, नाइस। एक दो ओहो, गजलाकाज ने उसको मारा है। एक और, अरे यार पैरों पे लग गया वो शॉट। खैर कोई दिक्कत नहीं, लगा ही था कुछ ऐसा करेगा वो। अरे बाप रे, अरे बाप रे, नीचे गिरने वाला है वो। बहुत सही, बुरा नहीं था। ए बिल्ले को नहीं, बिल्ले को नहीं, मेरे से लड़। गलत गलत मूव था वो, बहुत ही ज्यादा गलत मूव था वो। यार ये कैसे हुआ, एकदम एम करके ले रहा है मेरे को। ओके, बार बार बचाना उसके। नहीं 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 नहीं, अरे यार बिल्ले पर एम था उसका। आई फ्रेम कर गया मैं उसके थ्रू, कोई दिक्कत नहीं। रजांग की टेल नहीं है वो, तो हैंडलर ने बोल दिया, तो इसके हेड पर ही वार करना पड़ेगा। बहुत सही, उसका सर तोड़ दिया मैंने, उसको तीन हिट देने। बहुत सही, एक आखिरी हिट प्लीज, एक आखिरी हिट।
नहीं यार, उसने मुझे पिन कर दिया। हैंडलर ने बोला था पिन नहीं करने देंगे। भाई ये कैसे डैमेज है? उड़ जा मेरे हंटर, उड़ जा प्लीज। बहुत सही। बंदर का एग्रो खत्म हो चुका है। एक और बार हेडशॉट, बहुत सही। मेरे को क्यों मारे गया जला पास? सही टाइम पे वहां से हटा मैं। दूसरे एरिया में जा रहा है वो। ओके, तो दूसरे एरिया में अगर जा रहा है तो इसका ये मतलब ये है कि उसका पहला स्टेज मैं ख़त्म कर चुका हूँ सक्सेसफुली। अब बस दूसरे स्टेजेस भी सही से ख़त्म करने हो जाए तो अच्छी बात है। ये देखो यहाँ पर है गोल्डन मेन। इधर आ, हुर पावर कौन खा लूँगा। शांत हो जा बंदर। बंदर का ये है कि वो कुछ भी करे, एटलीस्ट वो चले भी ना। अगर वो चलता भी है, नहीं ये मूव मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर वो चलता भी है तो उसके चलने से ही हिटबॉक्स का डैमेज जाता है। फिर से वो मुझे ग्रैब करने वाला था। हट, इधर देख। ग्लोरी के लिए एक हिट खाना पड़ा उससे, यार कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई क्या था ये इतने अचानक से? बहुत जल्दी उसके एनिमेशन के फ्रेम्स खत्म हो जा रहे हैं। बढ़िया शॉट। एक और बार गुस्सा आ चुका उसको भी, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया डॉज। ओहो, लगा ही था वो कुछ ऐसा मूव करेगा। ये जब भी वो दीवार पर अटकता है ना एक बार स्टन होने के बाद, कुछ उल्टा सीधा तो करता ही है। बस्कर भाई कितना स्पैम करेगा वो मूव। फिर से वही। पूरा मूव सही टाइम पे डॉज, बहुत सही।
बहुत ही खतरनाक मैच था। टाइम रहते ही थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मैं। ओके, पानी वगैरह हो गया है, चलते अभी उसकी तरफ फिर से। कभी कभी यार पीसी पकड़ते ही मूव्स देख के ही जानवर के इतना, ओ बाप रे, रुइनस नर्गस गाइगेंटस, इसको मैं इससे टर्फ वॉर कराऊंगा। इधर देख, बस हो गया टर्फ वॉर। क्या फ्लिप था वो, सीरियसली। ओहो वॉर्न ऑफ, जल्दी से हॉट ड्रिंक पी लेता हूं मैं। रजांग भी निकल रहा है यहां से, चलो अच्छा है। रुइनस नर्गस गाइगेंटस ने आधा काम मेरा कर दिया। तो यहां पर देखो, रुइनस नर्गी गांटे के थोड़े मटेरियल्स भी है। ओहो, नर्गी गांटे हार्ड क्लो, बहुत सही। तो यार मॉन्स्टर हंटर में यही है कि अगर एक आइटम प्राप्त हो गया किसी भी जानवर का या फिर किसी भी मॉन्स्टर का, अगर किसी भी मॉन्स्टर का पार्ट वगैरह मिल गया अपने को, तो उसका आर्मर स्किल जो है वो देख सकते हैं एटलीस्ट। तो एटलीस्ट देखने को मिलेगा रुइनर नर्गी घाटी का आर्मर स्किल में क्या है। आज तो इसको वॉल बैंक देना है मेरे को। पासा पासा मोटे, तो मोटा भी नहीं कह सकते उसको, उसके मसल्स अच्छे खासे हैं। एक, दो, तीन, और ये कुंभ का, बहुत सही। तो यार वो कमजोर तो वैसे हो ही चुका है, तो मैं क्या करूंगा, बिल्ले को थोड़ा बहुत उससे भिड़ने दूंगा और पास वाले कैंप में जाकर के छुप जाऊंगा। बहुत सही, ऐसे ही। तो सबसे पास वाले कैंप में जाऊंगा मैं और यहाँ से अपने क्या कहते हैं, जो भी अपने ग्रैपलिंग नहीं यार, क्या बोल रहा हूँ मैं, कैप्चरिंग इक्विपमेंट से वो ले आऊँगा, क्योंकि इसको भी मैं कैप्चर करने वाला हूँ। आइटम बॉक्स मैनेज, ओके, कैप्चर भी है, ट्रैंक बॉम्ब भी है, बहुत सही। तो ये भी कैप्चर होने ही वाला है, चलते हैं उसकी और फिर से देखते हैं वो कहाँ पर है। यहाँ तक जा चुका है वो और वापस यहीं पर आ रहा है, तो जल्दी पहुँच जाना तो चाहिए वैसे। खैर, अपनी गुफा में जाकर लेटा हुआ है वो, देख ही सकते हो मिनी मैप में नीचे। चलते चलते यहाँ पर मेरे को हॉट ड्रिंक्स के कुछ मिल जाए तो वो भी अच्छा है। हनी मिल चुका है, अच्छी बात है, मेगा पोशन क्राफ्ट कर सकता हूँ इससे। तो ट्रैंक प्रॉम्प्ट रेडी है, ट्रैप टूल भी रेडी है, तो कर लेते हैं इसको जल्दी से ट्रैप। कैसे छाती फाड़ के सोया हुआ है, देख रहे हो। तो यार हो चुका है फ्यूरियस रजांग भी खत्म। सच बताओ फ्यूरियस रजांग की फाइट मेरे को बहुत सही लगती है, क्योंकि फेस टू फेस फाइट है, कोई उल्टे सीधे शिनानिगंस नहीं है इसके। इसमें सबसे बुरी चीज अगर तुम कर सकते हो तो वह है स्किल इशू, है ना, क्योंकि बाकी के जितने भी फाइट्स है, बाकी के मैं जो बोल रहा हूँ, मेरा मेरा उससे मतलब है कि क्या नाम था उसका, ब्रैकिडियोज, रेजिंग ब्रैकिडियोज के जो भी फाइट है, उसमें भले ही तुम कितने भी ज़्यादा स्किल्ड हो, कहीं ना कहीं तो कुछ उल्टा सीधा होता ही है, और वो तुम्हारी गलती होती नहीं है। मेरी भी गलती नहीं थी लास्ट टाइम पे,
बट किसी ना किसी तरीके से एक बार काट हो ही गया मैं। तो रजायन का जो है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव्स है, राइट। डिफरेंस ये है कि तुम कितना कब ग्रीडी हो जाते हो। और ओके, इनके पास एक क्वेस्ट है, लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले जाऊंगा स्मिति के पास, देखूंगा नर्गस गाइगेंटस के कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह है कि नहीं। फोर्ज इक्विपमेंट, आर्मर, फ्यूरियस राजांग, ओके देखते इसका यार राजांग के आर्मर से तो स्टाइल बहुत बेटर ही है मैं तो कहूँगा। ईयर प्लग्स है, मैक्सिमम माइट है, ओके स्टैमिना सर्च बहुत सही स्किल है, हेल्थ बूस्ट लेवल 3 है उसके पैरों पे, और क्या कहते हैं डबल स्लॉट्स है, तो यार इसको क्राफ्ट करना बनता ही है। अभी इक्विप नहीं करना मेरे को, बाद में करूँगा। मैक्सिमम माइट नहीं, स्टैमिना सर्च की मेरे को ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि स्टैमिना सर्च इंसेक्ट ग्लेव्स के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा, और इसमें लेवल 4 का क्या कहते हैं स्लॉट भी है, तो वो अच्छा है। ठीक है आगे का देखते हैं। रिजेंटमेंट, वीकनेस ऑफ पावर, रिजेंटमेंट, चलो ये भी ठीक है। नरगी घाटे का अभी तक मेरे को दिखा नहीं रहा, तो चांसेस है कि नरगी घाटे का अभी तक शायद एक पार्ट से अनलॉक ना हो, राइट। रेजिंग ब्रैकेडियोस का दिखा रहा है, लेकिन रेजिंग ब्रैकेडियोस का मेरे को अभी अनलॉक करना ही नहीं है, खैर उसको जाने दूंगा मैं। और इक्विपमेंट आज थोड़ा नया बनाएंगे, शुरू से एकदम कोशिश करेंगे, राइट। मैराथन रनर है किरीन में, तो सबसे पहले मैं वो लगा लूँगा। नेक्स्ट मैं बैरियोथ लगाऊंगा, क्योंकि अटैक बूस्ट मेरे को अच्छा खासा मिल रहा है, और ऊपर से देख ही सकते हो स्लॉटेज भी अच्छी खासी है उसमें। इनफैक्ट मैं ये भी लगा सकता हूँ, क्या कहते हैं फेल श्राउड मेल, जिससे मेरे को सुपर रिकवरी मिलती है, राइट। और देखते हैं क्या है, फ्रॉस्ट फैंग, किरीन लॉन्ग आर्म्स, फेल श्राउड ब्रेसेस, रिकवरी अप उसमें मुझे मिल जाता है, चलो एक बार यही ट्राई कर लेते हैं। वेलकाना का नहीं चाहिए मुझे, हेल्थ बूस्ट ये भी नहीं। ईवेड एक्सटेंडर में यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन उसमें स्लॉटेज एक ही है, राइट। और हेल्थ बूस्ट है, ब्लाइट रेजिस्टेंस सबसे बेस्ट रहेगा, वही ले लेता हूँ मैं। और राइम गार्ड की जगह मैं इसका यूज़ करूँगा, क्या कहते हैं भूल गया उसका नाम, कॉन्ग का या फिर रजांग का, कुछ भी बोल लो। डेकोरेशन सेटअप कर दूंगा मैं यहाँ पे, तो काफ़ी सारे स्लॉट्स आ चुके हैं मेरे पास अभी। और मुझे सबसे बेस्ट बात तो यह है कि हेल्थ बूस्ट की परवाह करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सबसे ऊपर ही है और सबसे ज़्यादा भी है। मैं अभी क्या कर सकता हूँ ना, अपने बाकी के जो बेटर स्किल्स है उसमें फोकस कर सकता हूँ। से फॉर एग्जांपल ईवेड विंडो जो है, डिस्ट्रॉयर इवेजन ये भी लगा दूंगा, इवेजन ज्वेल भी लगा दूंगा, इसमें शीथ इवेजन है, और क्या है शैटिएटेड भी है, इसको भी लगा सकता हूँ मैं। क्राइसिस शीथ फ्लाइट, शीथ तो लगा हुआ है, फोर्टिट्यूड भी है, रिफ्रेश भी लगा दूंगा। चलो ईवेड विंडो 4 बन चुके हैं, ठीक है उससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है वैसे तो। ईवेड एक्सटेंडर में देखता हूँ होगा कि नहीं, जंपिंग फिजिक ज्वेल ये मैं यूज़ कर सकता हूँ, राइट। तो ईवेड विंडो भी अच्छा खासा है, ईवेड एक्सटेंडर भी अच्छा खासा है, एक ब्लाइट रेजिस्टेंस भी उठा देता हूँ, वो भी सही रहेगा। ब्लाइट रेजिस्टेंस नाइस, एक रजिस्टर्ड ज्वेल बस, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और क्या क्या है देखते हैं, अटैक बूस्ट उठा सकता हूँ मैं, तो वही ट्राई करते, अटैक बूस्ट देखते हैं मेरे पास कितना है। एक ही अटैक बूस्ट, सीरियसली यार, खैर कोई दिक्कत नहीं, ये लगा लेता हूँ। और क्या है यहाँ पर देखते हैं, क्राइसिस अटैक, गार्डियन अटैक, सैटिएटेड अटैक, चलो क्राइसिस अटैक लगा के चलते हैं। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, रजिस्टर भी फुल हो चुका है, ब्लास्ट रेजिस्टेंस भी लगा लूँगा, ताकि इसी आर्मर को मैं क्या कहते हैं ब्रैकेडियोस के खिलाफ भी यूज़ कर सकूँ। ब्लास्ट रेजिस्टेंस देख सकते हो यहाँ पर है, एंटी ब्लास्ट, राइट। लेकिन एंटी ब्लास्ट सिर्फ एक ही है, वो यूज़ करूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, खैर जाने दो इसको। और क्या लगा सकता हूँ मैं, स्टन रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ मैं, स्टेडफीस्ट, राइट। एक और स्टन रेजिस्टेंस भी लगा लूँगा, बस बढ़िया, स्टन भी नहीं होने वाला अब मैं, फोकस है, रिकवरी अप है, रिकवरी अप के लिए ढूंढता हूँ अगर कुछ हो सके तो। मेडिसिन ज्वेल, रिकवरी अप भी पूरा फुल है,
स्पीड ईटिंग अगर मिले तो अच्छी बात है, ताकि हेल्थ पोशन वगैरह जल्दी से रिकवर कर सकूं। स्पीड ईटिंग, नहीं है क्या? स्पीड ईटिंग है यहाँ पे। गॉबलर ज्वेल 3 है मेरे पास, तो 2 में लगा सकता हूँ, राइट? लेवल 3 तक का ये जाता है। और यहाँ पर लास्ट में मुझे नहीं पता मुझे क्या लगाना है, तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर पार्ट ब्रेकर का कुछ लगा सकता हूँ, क्योंकि पार्ट ब्रेकर मेरे पास कम है। पार्ट ब्रेकर, पार्ट ब्रेकर, पार्ट ब्रेकर, डिस्ट्रॉयर प्रोटेक्शन ज्वेल, राइट? डिस्ट्रॉयर इवेजन भी है लेकिन वो ऑलरेडी लगा हुआ है। चलो डिस्ट्रॉयर प्रोटेक्शन ही लगा लेते हैं। खैर ये एक अच्छा आर्मर बन चुका है, तो इसको भी मैं सेव ही कर दूंगा फिलहाल के लिए। एंटी रेजिंग ब्रैकेट की नहीं, उसको टेस्टिंग में ही सेव करता हूँ, क्योंकि बेसिकली ये टेस्ट ही कर रहा हूँ बेसिकली, और क्या ही है। ओके, तो इसमें मेरा टोटल डिफेंस बनता है 809, और इस वाले में एंटी रेजिंग ब्रैकेट यूज में बनता है 875 मेरे को डिफेंस। कोई दिक्कत नहीं है, कम है समझता हूँ, लेकिन ठीक है। तो यार इक्विपमेंट चेंज और सेव भी कर लिया है मैंने, देखते अभी कुछ नया क्वेस्ट वगैरह किसी के पास होता है कि नहीं। चाहूँ तो ट्रैकर के पास जाकर भी स्टोरी क्वेस्ट कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी देखना चाहता हूँ कि किसी के पास कुछ कुछ तो एटलीस्ट कुछ तो क्वेस्ट किसी ने पोस्ट किया होगा। ब्रैकेट यूज़ का करे तो अच्छी बात है, चाहे तो रजांग का भी करे तो वो भी अच्छा है, बट ठीक है। कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाया बैठा हुआ है। टू द वेरी एंड्स विथ यू, ये है नरगी गांठे का क्वेस्ट, लेकिन मेरा रैंक अभी तक इतना खास है नहीं। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करता हूँ, ट्रैकर के पास ही चलता हूँ। आई जस्ट हर्ड दैट यू फिनिश द इन्वेस्टिगेशन ऑफ रजांग ब्रैकेडियोस एंड फ्यूरियस रजांग। अच्छा, रेजिंग ब्रैकेडियोस एंड फ्यूरियस रजांग। द अदर बंच आई रैप्ड अप आवर रिसर्च वर्क टू, जॉब वेल डन ऑन ऑल काउंट्स आई गेस। दैट कॉल्स फॉर अ नाइस लॉन्ग रिलैक्सिंग ट्रिप इन द हॉट स्प्रिंग्स, वर्क लाइक अ पोपो, रेस्ट लाइक अ पुगी, राइट? Anyway, here's a little something for you, for all the help, take it. Long star amulet दिया है उसने। पता नहीं ये चीज़ किस चीज़ के लिए है, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि grinding lands में जा करके अपना level up करना पड़ेगा। तो इससे पहले मैं जाकर देखता हूँ कि और कुछ है क्या special assignment की quest पे। अभी तो कुछ लग नहीं रहा। Event में अभी, अच्छा हाँ, मैं कुछ इवेंट क्वेस्ट के बारे में बताने वाला था, राइट? तो कुछ अच्छे ऐसे इवेंट क्वेस्ट है जो अच्छे अच्छे ड्रॉप्स वगैरह देते हैं, तो उनमें से जो एक है वो है, कहाँ गया यार, अ फेयरवेल टू जिनोगर, राइट? तो फेयरवेल टू जिनोगर यार क्वेस्ट बहुत ही मज़ेदार है, मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या होता है। तो जैसे कि तुम्हें पता होगा अपना जो स्टीम वर्क्स है यहाँ पे, राइट, यहाँ पे स्टीम वर्क्स यूजुअली फ्यूल से चलता है, और फेयरवेल टू जिनोगर में अपने को ड्रॉप्स में फ्यूल ही मिलते हैं। इनफैक्ट जिनोगर से भी जो ड्रॉप मिलेगा वो भी फ्यूल्स ही होंगे। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, मैं क्या करने आया था, अपने आइटम्स को रिस्टॉक करने। बहुत सही, तो ये हो चुका है। चलो जिनोगर की बजाने निकल लेते हैं, क्योंकि जिनोगर से ऑलरेडी मैंने लड़ा हुआ है। जिनोगर से नहीं लड़ा मैंने शायद इससे लड़ा था, स्टिजियन जिनोगर से, बट ठीक है बात एक ही है। मूव सेट ऑलमोस्ट नहीं, स्टिजियन जिनोगर मुझे लगता है ज़्यादा खतरनाक मूव सेट होगा। तो ठीक है, SOS फ्लेयर डाल दिया है मैंने, कोई आने वाला है नहीं, लेकिन क्या करें, उम्मीद पे टिके रहता हूँ मैं। ठीक है यार, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, लास्ट टाइम क्या कहते हैं, जैसे ही मैंने इक्विपमेंट वगैरह चेंज किए थे, जैसे मैंने इक्विपमेंट वगैरह चेंज किए थे, मैं एक ज्वेल लगाना भूल गया। और उस ज्वेल का नाम था, एक ही बार में टेंडराइज करने वाला ज्वेल, भूल गया उसका नाम क्या था, शेवर ज्वेल था शायद उसका नाम, बट ठीक है। वो साइड फोरसाइट बहुत सही टाइम पे दिया मैंने, फोरसाइट मैं मील करना भूल गया।
ये क्या था? अच्छा वो थोड़ा दूर जाके कूदा, नहीं तो बच जाती मेरी। बिल्ले के पीछे क्यों भाई? लगातार वही मूव स्पैम किया जा रहा है वो। खैर कोई दिक्कत नहीं, फोरसाइट लगा नहीं मेरा सही से। देखो यार यहाँ से मुझे ड्रैगन विन कोल वगैरह मिल रहे हैं, तो यही है मेरे फ्यूल। ट्राई करते हैं हेल्म ब्रेकर का। नहीं 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 नहीं, बढ़िया। बुरा वो मैं इमोट क्यों मारने लग जाता हूं हमेशा। कभी भी पास आ भाई जिनोगर। सही टाइम है इसको वॉल बैंक देने का। ये दे दिया मैंने वॉल बैंक, नाइस। एक और बार बढ़िया से, अभी टेंडराइज हो चुका है ये। और साइड सही टाइम। अरे यार सही, बहुत गलत। ओके रिचार्ज कर रहा है वो खुद को, यही सही टाइम है मारने का उसके सर पे हेलम देकर। कर क्या रहा है वो? बढ़िया, नहीं। अरे यार बच गया वो किसी तरीके से। खैर कोई दिक्कत नहीं, बहुत सही डॉज था वो। एक बार फिर से कोशिश करूंगा। नहीं हुआ, नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, फिर से कोशिश करेंगे। भाई क्या हिटबॉक्सेस थे वो, कितने अजीब हिटबॉक्सेस थे, डिलेड हिटबॉक्सेस थे, लेकिन अच्छा है मेरे लिए ही अच्छा है, एटलीस्ट लगा उसके शरीर पे, एटलीस्ट एक नॉकडाउन मिलेगा मेरे को। शक्ल पे मारूंगा इसके। रेड गेज मेरा बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। खत्म होने वाले क्या, हो ही गया। और नीचे गिरते गिरते खत्म मेरा रेड गेज, फुल्स मेरा रेड गेज। फिर से एक शॉट बस, चार नहीं। इसको आ चुका है गुस्सा। कर लेता हूँ हील, नाइस। कर देख सकते हो स्पीड हीटिंग कितना सही है, बहुत जल्दी हील कर सकता हूँ मैं इस स्किल से। थैंक्स बिल्ले।
वहाँ पे देख सकते हो एक और जिनोगर का मटेरियल पड़ा हुआ है, जल्दी से मैं जाके उसको भी उठा लूंगा। ड्रैगन वेन कोल, क्रीड नाम का बंदा क्वेस्ट ज्वाइन करा, खैर अच्छा है। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, एक और, बहुत सही, ये दे दिया है शॉट। और ये बूम, वाइट डैमेज किया लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। शार्पनेस भी ब्लू हो रखी है मेरी, देख ही सकते हो, जल्दी से यहाँ पर मैं शार्पन कर देता हूँ। बढ़िया लगा उसको, आइस एलिमेंट था। अरे यार बुरा लगा मेरे को वो, बहुत ही बुरा वाला पड़ा, लेकिन अच्छा मैं स्टन नहीं हुआ क्योंकि मैंने स्टन रेजिस्टेंस ले रखा था। बहुत सही, बहुत सही। हील कर लिया मैंने खुद को, क्या डॉज था वो, पूंछ के नीचे से गया मैं। यार ये कीड़ों से मार रहा है वो मेरे को लिटरली। नहीं नहीं नहीं, हेल्म ब्रेकर मिस कर दिया मैंने, खैर कोई दिक्कत नहीं, फिर से कोशिश करूंगा। मिस किया मैंने फिर से, एक शॉट बस, बढ़िया। ओहो चलो भाई, ग्रेट शॉट, वेकअप हिट लगाओ। अरे एक ही वेकअप हिट, बड़ा कूल चिट्टू उठा लेता हूं। इसको एक बार मैं फ्लिंच कर सकता हूं शायद, एक और, स्टैमिना खत्म नहीं हुआ, बहुत सही। मैं लिया स्पिरिट स्लैश मारने वाला था, क्या कोई दिक्कत नहीं, गया मैं फोर साइट ले लिया, उसके बाद तुरंत ही
उसने अपना फिनिशर मूव मारा। हेल्म ब्रेकर, नहीं यार, ओहो उंगलियों पे लगी उसके, बहुत सही। बुरा था, कोई दिक्कत नहीं। यार अभी तो फोरसाइट किया था मैंने, इतना अच्छा फोरसाइट था लेकिन फिर भी उसमें मिस किया। खैर कोई दिक्कत नहीं, क्या ही करूं अभी। यार फिर से नहीं, रैंडम ने मेरे को हील किया, बहुत सही। ज़िनोगर लगता है फिर से उसका एग्रो खत्म हो चुका है, उसको एक फ्लिंच शॉट तो दे ही सकता हूँ मैं। एक दो, एक और बार, तीन, नाइस, और ये फ्लिंच शॉट, बहुत सही। पूछ काट सकता हूँ मैं क्या इसकी, कोई दिक्कत नहीं। अरे क्या बात है बिल्ले, चार चार ये भाई, ये कैसा रूल है गेम का। फिर से नहीं यार, उसके अटैक के बीच में ही मैंने लाइफ स्पिरिट स्लैश डाला था, सोचा था कि कनेक्ट होएगा लेकिन नहीं हुआ। तो फिर से मैं फ्री शॉट मार सकता हूँ, लग गई फ्री शॉट, बढ़िया। यार कैसे, यार कोई दिक्कत नहीं, अच्छी फोर साइड से सही से लगा, बहुत। ज़िनोगर मटेरियल फिर से नाइस, ड्रैगन वेन कोल चंक, ड्रैगन वेन कोल, बहुत सही। तो यार यही है, ऐसे कोयले वगैरह मिल गए तो क्या कहता है, स्टीम वर्क्स पे जा करके, और भी मटेरियल्स पड़े हुए हैं कहाँ पे, यहाँ पे स्टीम वर्क्स पे जा करके फ्यूल वगैरह जो है वो फिर से रिप्लेनिश कर सकता हूँ, और एक बार फ्यूल रिप्लेनिश हो गया तो फिर वहाँ पर लॉटरी गाँव का वेट कर सकता हूँ। और लॉटरी का क्या है, कभी कभी एंशिएंट पोशंस भी मिलते हैं, कभी कभी फुल हेल्थ पोशंस भी मिलते हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ रहती है। बस खत्म होने का वेट है, अभी 10 सेकंड बचे हैं। राइट, क्वेस्ट खत्म हो चुका है। यार ये आर्मर मेरे को बहुत सही लग रहा है क्योंकि काफी तेजी तेजी से मैं हेल्थ को रिकवर कर सकता हूं। ज़िनोगर टिकट नाइस। एक बार सारे रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो अपने इकोलॉजिकल रिसर्च वाले को दिखाना पड़ेगा। बोटानिकल बॉक्स भी फुल हो चुका है, देख सकते हो। कलेक्ट हार्वेस्ट नाइस।
यार इसके पास चल के देखते हैं। रिसर्च लेवल नए वाले आ चुके हैं, नाइस। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरा क्या मतलब है जब मैं बोलता हूँ कि जिनोगर के कोल से स्टीम वर्क्स वगैरह अपग्रेड कर सकते हैं, अपग्रेड तो नहीं आगे बढ़ा सकते। हेल्थ स्टीम वर्क्स में जाऊँगा तो यहाँ पर देख सकते हो जायंट ड्रैगन वेल कोल से 1000 तक का फ्यूल जा रहा है, ड्रैगन वेल कोल चंक से 500 तक का, ड्रैगन वेल कोल से 100 तक का, राइट। तो अगर मैं इसको यूज करता हूँ 7400 तो एक ही बार पे फ्यूल आ जाता है। तो देख ही सकते हो सेलेस्टियल वाइवेरियन प्रिंट भी है, गोल्ड मेल्डिंग टिकट भी है। तो चलो शुरू करते हैं इसका। बस यही है कि ये चीज़ जो है वो लक बेस्ड है, हारे तो हारे जीते तो जीते। और एक बार जिनोगर को अगर इनफ टाइम्स हंट कर लिया ना, खासकर उसी इवेंट क्वेस्ट में, तो फ्यूल इतने सारे हो जाएंगे कि क्या कहते हैं, फिर से कभी कोई चीज़ कलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जैसे मेगा पोशन वगैरह हो गए, या फिर एंशिएंट पोशन वगैरह हो गए, या फिर मैक्स पोशन वगैरह हो गए, उन सबको क्राफ्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ यहीं से मिल जाएगा। बस अभी लगे रहना है इस क्यूए के खेल में। और आज देख सकते हो लक बहुत ही बेकार जा रहा है। चलो ये हो चुका है, अभी फ्यूल थोड़ा कम यूसेज होगा, कम क्या यूज ही नहीं होगा। जैसे कि हर आरपीजी गेम में डाइस रोल करने का मैकेनिज्म होता ही है, तो यहाँ पर बेसिकली डाइस रोलिंग यही है। इनफैक्ट डाइस रोलिंग ये भी कह सकते हो कि अगर मॉन्स्टर को हंट करते हो तो कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं जो रेयर होते हैं और वो हमेशा क्रेव नहीं हो पाते, खैर। बट जो मेन डाइस रोलिंग का पार्ट आता है वो तो यही है, क्योंकि ये चीज़ प्योरली लक बेस्ड ही है, इसका कुछ कर नहीं सकते। चलो अच्छा है बिल्ले आ गए, अब हिंट्स मिलते रहेंगे। अच्छे खासे लेवल तक पहुंच चुका है स्टीम वर्क्स। चलो और आगे बढ़ते हैं इस पे। बुढ़ा भी मेरे को टॉन्ट मारने लगा यहाँ पर, कैंट विन एम ऑल करके। खैर थोड़ा वॉल्यूम भी बढ़ा देता हूँ मैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वॉल्यूम कम है, काफ़ी कम है। सेम कट सीन है, स्किप कर देता हूँ मैं, क्या ही है। गोल्ड बिल्डिंग टिकट मिल चुका है यार, लेकिन इस क्या कहते हैं, मेरे को वो नहीं मिला सेलेस्टियल वाइवेरियन प्रिंट जिसकी तलाश थी मुझे। बट खैर कोई दिक्कत नहीं है, और ज़्यादा हंट करूँगा तो और भी कुछ कुछ मिलता रहेगा। तो अभी यार मेरे को वही करना है, गाइडिंग लैंड्स में अपना लेवल अप करना है, राइट। क्योंकि अगर लेवल अप नहीं किया तो स्टोरी आगे नहीं बढ़ा पाऊँगा। कलरफुल कार्निवल देखते हैं गाइडिंग लैंड्स में कोई है कि नहीं। अभी एक बंदा तो है, लाइट ब्रेक एज है उसके पास, और देख सकते हो काफ़ी अच्छे अच्छे स्टार्ट्स है उस पर। चलो इसको ज्वाइन कर लेता हूँ मैं।
एंशिएंट पोशन, मैक्स पोशन नहीं है मेरे पास, है 8 मैक्स पोशन है। चलो लास्ट के आखिरी 8 बचे हैं, इसको भी लेके चल लेता हूँ। गार्डिंग लैंड्स की सबसे बेस्ट बात यह है जितना चाहो उतना मर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। और इसको लोडिंग होने में भी काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो यार गेम को डिजाइन ही मतलब इस तरीके से किया गया है कि अगर तुम सोलो खेल रहे हो या फिर अगर मैं सोलो खेलता हूँ तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर ग्राइंड करने के बाद भी आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसको डिज़ाइन ही ऐसा किया गया कि एक कम्युनिटी बना के रखे ताकि प्लेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लेयर पे ऑप्ट करे, राइट, दूसरे प्लेयर्स को ज्वाइन करे अपने गाइडिंग लैंड्स या फिर किसी और क्वेस्ट में, ताकि क्वेस्ट वगैरह भी क्या कहते हैं जल्दी मिल सके और तो और लूट वगैरह भी अच्छा खासा मिल सके। चाइनीज़ बंदा आया है फिर से क्वेस्ट पे, शेफ चॉइस प्लेटर, नाइस। वो बंदा स्टिजियन जिनोगर से लड़ रहा है, देख ही सकते हो। अरे यार उस बेचारे का मैंने हेल्म ब्रेकर हटा दिया। ओहो मुझे लगा था वो कमजोर हो चुका था, लेकिन वो सिर्फ स्टाइल में चल रहा था। बुरा लगा मेरे को वो, बुरा लगने का मतलब है कि यह गंदा पड़ा मेरे को डैमेज के हिसाब से। ओहो फुलगेर एंजनाथ टर्फ वॉर शुरू हो चुकी है इनमें, मैं फिर भी इसको मारूंगा। दोनों के दोनों उड़ गए। अरे भाई साहब माकड़ बिले जल्दी आ, धन्यवाद। गलत जगह पे लगी लेकिन उसका एलिमेंट एटलीस्ट ऑफ किया मैंने। अरे यार इस अटैक के बारे में बार बार भूल जाता हूं।
भाई आप कुछ क्या होने वाला है ये? अंजनाथ आ चुका है। गलत था वो, एनिमेशन में अटका हुआ था मैं भी। अपर कट पे अपर कट लगाया पड़ा है ये। वो बेचारे का फिर से रह गया यार, लेकिन मैंने फिक्स शॉट लगा दिया। सही है, बढ़िया मौका है, बढ़िया मौका है। एक और बार नाइस फोरसाइट। दोनों ने एक ही साथ लगाया, बहुत सही। स्टीच इंजनों अगर खत्म, नाइस। तो यार यही मज़ा रहता है बाकियों के साथ भी खेलने में, बहुत ही सिनेमैटिक मोमेंट्स आते हैं, जैसे कि दोनों लॉन्ग शॉट्स के एक साथ टकराना। आइटम बॉक्स में जाके फिर से सब कुछ रीस्टॉक कर लूँगा मैं, नाइस, और फिर से चल लेंगे वापस। इसके पास भी चीज़ें रिपोर्ट कर देता हूँ। ओहो काफ़ी अच्छे अच्छे ज्वेल्स मिले हैं इस बार तो। तो पहले में पॉइजन कोड बेकार है, क्राइसिस एक्सपर्ट है ठीक ठाक ही है, बुरा नहीं है। अब देखते हैं नया बंदा क्या, कौन सा नया मॉन्स्टर बुलाता है। नया बंदा तो नहीं, जो मतलब गाइडिंग लैंड्स का जो क्वेस्ट लीडर है, वो कौन सा नया मॉन्स्टर बुलाता है। और इसको देखकर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये अंजनाथ के करीब जा रहा है। जाना किधर है बॉस? नारगा कुगा यहां पर है, देख सकते हो। अरे भाई
बहुत सही। अरे 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 यार, गलत जगह पे मैंने डॉज रोल ले लिया। खैर कोई दिक्कत नहीं, ऊपर जाना पड़ेगा फिर से। हर्ब्स वगैरह कलेक्ट। सिंगल ड्रॉपिंग स्विच मिले मेरे मेरे को। बहुत बुरा था वो। खैर कोई दिक्कत नहीं, फुल साइट। हेल्म ब्रेकर, एक और बार हेल्म ब्रेकर, हेड शॉट। ब्लीड होने लगा हूं मैं। थोड़ी देर के लिए ऐसे करके बैठ जाऊंगा तो ब्लीडिंग रुक जाएगी। बढ़िया, नाइस। अरे यार नहीं, असासिन कट रही कुछ तो भी नया मटेरियल है। नागाकू अकू यूजुअली ये मटेरियल नहीं होता। थोड़ा बाहर आना पड़ेगा क्योंकि कॉर्नर हो चुका हूँ, काफी आगे मूव हो गया था। नाइस, पूंछ पे ही हमला करूंगा मैं, ये पूंछ काटनी है मुझे उसकी। बंदा सवार हो चुका है उस पे। नाइस, दूसरी तरफ। इतने ज्यादा झाड़ वगैरह यहां पर है कि मैं कुछ देख ही नहीं पा रहा हूं। नहीं 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 नहीं, एक शॉट। इसको फ्लिंच करना पड़ेगा मुझे, नहीं तो काम नहीं बनेगा। और ये बूम, नाइस। पूछ पे बस एक हेल्म ब्रेकर की कमी है, बट उसको जाने देते हैं। पहले ये सब कलेक्ट कर देता हूँ मैं। गाइडिंग लैंड्स का जो नॉर्मल जिनोगर है उससे भी काफी अच्छे अच्छे क्या कहते हैं,
नहीं 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 यार, तक भागेगा जिनोगर, जिनोगर नहीं नारगकुगा। नाइस, भाई साहब नहीं लगा उसको। फोरसाइट नहीं, फोरसाइट नहीं, लाई स्पिरिट स्लैश मारने वाला था मैं, बट कोई नहीं। बहुत सही, नहीं नहीं चलो अच्छा है। ओ भाई साहब, बहुत ही खतरनाक तरीके से पूंछ काटी मैंने वो, और उसने फिर से उसकी पूंछ से मेरे को वार किया। खैर कोई नहीं, एक और बार। कुछ भी बोलो यार, प्लेयर्स अच्छे मिले इस बार, काफी मजा आ रहा है इनके साथ खेलने में। और नारगकू का खत्म, लंबी फाइट थी लेकिन डॉज वगैरह करने में काफ़ी मज़े आए। इनसे पूछता हूँ नॉर्मल जिनोगर अगर इनके पास कॉल आउट में होगा कि नहीं। क्योंकि रेगुलर जिनोगर के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं वेपन के अपग्रेड के लिए। खैर एक बार यहाँ पे चल के देख लेता हूँ मैं, देखता हूँ अपनी हैंडलर को कुछ रिपोर्ट करने के लिए होगा कि नहीं मेरे पास। कुछ खास फेस स्टोन्स नहीं मिले वैसे मेरे को, देख ही सकते हो। फ्लाइट ज्वेल टू ठीक है, बुरा नहीं है। कोरल रीजन का जो लेवल है वो अप होने लगा है जो कि बहुत अच्छी बात है। और देखो यार इसके पास ब्रैकिडियोस का क्या कहते हैं, लांस है, बंदा लांस पकड़ के खेल रहा है। ब्रैकिडियोस का या फिर रेजिंग ब्रैकिडियोस का शायद मैं भी क्या कहते हैं चार्ज ब्लेड क्राफ्ट कर सकता हूँ शायद से। बाकी के बंदे एक तो यहाँ पर है, और ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वाइल्ड स्पायर वेस्ट वाली जगह है ये।
तो ठीक है, ओहो नया ड्रैगन, कोई दिक्कत नहीं, नए ड्रैगन है, नए ड्रैगन की तरफ चलेंगे, लेट्स गो। तो ट्रेल राइडर अनलॉक कर लिया था मैंने, तो अभी ट्रेल राइडर ही यूज़ करूँगा। ट्रेल राइडर की बेस्ट बात यह है कि चलते चलते ही बीच बीच में मैं रिसोर्सेस वगैरह इकट्ठे कर सकता हूँ, जो कि बहुत सही चीज़ है। नए फुटप्रिंट्स, लेकिन उठा नहीं पा रहा मैं नए फुटप्रिंट्स। खैर कोई दिक्कत नहीं, डियाब्लोस जैसा कुछ तो भी क्यों। अरे बाप रे यार, ये कैसा यार, ये तो रेसिस्ट डियाब्लोस है कह सकते हैं। ठीक है, इसके सींग इतनी ताकतवर है कि सींग इतने ताकतवर है कि इसको कुछ लग ही नहीं रहा। अरे यार सवारी ले सकता हूं इस पे, शायद नहीं। बहुत ही सही टाइम पे फोरसाइट था वो। सींग को अगर मैंने टेंडराइज नहीं किया तो ऐसे ही पिटता रहूंगा इससे। नहीं 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 नीचे नहीं जाना। अरे भाई फोर साइड फिर से, नाइस। मुझे लगा था मैं पैरों के बीच से निकल जाऊंगा, खैर कोई दिक्कत नहीं। बुरा शॉट नहीं था, मटेरियल उठा लूंगा मैं जल्दी से। अच्छा तो ये लगातार खोद सकता है, ओके ओके। अंडरग्राउंड में चले जाना बस, चलो कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट अंडरग्राउंड नहीं गया ये। नहीं यार नहीं यार, भाई क्या फोरसाइट टाइमिंग थी वो। बिल्ले के पीछे नहीं, दोनों की दोनों के अटैक्स एक साथ क्लैश हुए, तो डैमेज लेकिन मेरे को ही गया। कोई दिक्कत नहीं है वैसे, जल्दी से खुद को शार्प कर लेता हूँ, खुद को नहीं तलवार को। प्लीज एक शॉट बस, बहुत सही।
कतई खुला सांड है यार ये डेजर्ट का। मेरे बाकी के टीममेट्स है वो ओडोगेरा उनको मारने में लगे हुए हैं। चलो मैं भी फायर कास्टर लेके निकल ही लेता हूँ, क्योंकि वाइल्ड फायर वेस्ट का मेरे को लेवल बढ़ाना नहीं है। मुझे नहीं पता मैं उससे क्यों लड़ रहा था, मुझे कोई आइडिया नहीं था, बट खैर चलो चलते ओडोगेरा उनके पास। तो ये देख सकते हो ओडोगेरा है यहाँ पे। अरे यार ये हो चुका है, ओडोगेरन को भी मटेरियल्स उड़ा लूंगा मैं। ओहो गलत टाइम पे गुस्सा आ चुका है उसको फिर से। नहीं कोई दिक्कत नहीं चलो चल लेते फिर से ओडोगेरन के पीछे। ये कौन सा मटेरियल था? तो अगर ओडोगेरा उनको मारते हैं तो कोरल हाईलैंड का लेवल बढ़ेगा, जो कि मुझे बढ़ाना है। ओडोगेरा सोने वाला है लगता है, क्योंकि उस गैस के अच्छा उस गैस में वो आया ही नहीं। ओहो नाइस वन ग्रेट शॉट। रॉटेन व्हील रीजन अब रॉटेन व्हील की जरूरत नहीं थी वैसे। मैं उम्मीद कर रहा था कि कोरल हाइलैंड्स का रीजन अप करने के लिए। फोरसाइट कर लेना चाहिए था मेरे को वहां पे, खैर कोई दिक्कत नहीं। फिर से भीड़ लग चुका है मुझे, तो रुकने के बजाय मैं सुसिफिस के लिए यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, जो कि हेल्थ भी थोड़ी सी बढ़ा देगा। कहाँ गया ओडोगेरन? अच्छा उससे पहले ओडोगेरन की पूंछ को मुझे लूटना है। तो ये आ चुका है, चलते हैं फिर से ओडोगेरन के पीछे। आई गेस नीचे के रास्ते से जाना है, और जिस चीज का डर था वही वहां रॉटेन वेल के अंदर है ये, यानी कि अभी मेरे को पैसिव डैमेज भी रखने वाला है।
पंजों की वार यार। एक हेल्म ब्रेकर लग जा। अरे यार दोनों ने हेल्म ब्रेकर मिस किया यहाँ पर। खैर कोई दिक्कत नहीं, ओडोगैरन के पीछे भी जाना है। रोटेनविल का रीजन जो है देख ही सकते हो बहुत छोटा है, या फिर शायद नहीं। रोटेनविल का रीजन छोटा नहीं है। मैंने ही गलती कर दी इसको एस्टिमेट करने में। खैर कोई दिक्कत नहीं। तो ओडोगैरन हो चुका है कैप्चर, यहां से निकल लेते हैं। आइटम बॉक्स, आइटम्स फिर से मैं कर दूंगा रीस्टॉक। और क्या क्या बचता है यहाँ पे? एक शॉक ट्रैप बच जाता है बस, ठीक है नाइस। नेक्स्ट फिर से जाऊंगा मैं अपनी हैंडलर के पास और देखते क्या क्या और क्या क्या चीज़ें रिपोर्ट करने के लिए। टी बैग नहीं करना है मेरे को हैंडलर को। नाइस, कोरल हाइलैंड्स। कोरल हाइलैंड्स का रीजन और थोड़ा आगे बढ़ने वाला है। ब्लैक डियाब्लो से अपना फोकस हटा देता हूँ, वही बेस्ट रहेगा। और क्या क्या है यहाँ पर? स्मोक नेट वगैरह है, ठीक है। कोरल हाईलैंड से फिर से चल करके देखते हैं अगर कुछ नया एनिमी वगैरह मिला तो। रेजिंग ब्रैकिडियोस का मैं सोच रहा हूँ आर्मर वगैरह क्राफ्ट करने के अलावा चार्ज ब्लेड क्राफ्ट कर लूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वेपन लगता है मेरे को चार्ज ब्लेड। इनफैक्ट वन ऑफ माई फेवरेट वेपन से चार्ज ब्लेड। वन ऑफ माई फेवरेट क्या बोल रहा है यार, हर वेपन ही मेरे को अच्छा लगता है यहाँ पे बेसिकली। बट हाँ, चार्ज ब्लेड मज़ेदार लगता है, तो कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी चार्ज ब्लेड भी अपडेट कर सकूँ मैं। ये लोग कर क्या रहे हैं? किसको मार? अच्छा डियाब्लोस को मारने गए। खैर एक्सपीडिशन से मैं निकल लूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पर और ज़्यादा रुकना चाहूँगा। तो अभी बेसिकली प्लान क्या है मेरा? आइटम्स कैन बी डिलीवर्ड। अच्छा देखते हैं यहाँ पे कुछ अगर नया आइटम डिलीवरेबल होगा तो। कंप्लीट डिलीवरीज पेंडिंग, हाउस फुल ऑफ ब्लूम। हाँ खैर कोई दिक्कत नहीं है, इनको सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है मेरे को। बट हाँ एक चीज़ मैं और दिखाना चाहूँगा यहाँ पर पे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ऑगमेंटेशन में जाऊँगा और यहाँ पर तुम अगर देख सकते हो इक्विप में, अगर मैं देखूँगा यहाँ पे हेल्थ रीजनरेशन राइट, तो यहाँ पर देख सकते हो मुझे यहाँ पर कुछ तो भी एक क्या कहते हैं ग्रीन कलर का सैक दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक वाइट कलर का तो कोई तो भी जानवर का स्किन वगैरह कुछ तो भी होगा, और किसी तरह की हड्डियाँ। स्लम्बरिंग ग्रेट बोन जो है वो एंशिएंट फॉरेस्ट से कलेक्ट होती है। ये मुझे नहीं पता कहाँ से कलेक्ट होता है, क्योंकि इसका रंग येल्लो है। मैं सोचूंगा या फिर सोचना चाहूँगा कि ये चीज़ जो है वो कलेक्ट होता है वाइल्ड स्पायर वेस्ट से। लेकिन ये जो सैक है
ये मुझे अच्छे तरीके से पता है कि पूके पूके का साइक है। और सबसे पहले तो अगर मेरे को इस चीज़ को करना है तो मुझे पूके पूके के सैक्स वगैरह अनलॉक करने पड़ेंगे। तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा ना, एंशिएंट फॉरेस्ट का लेवल मुझे थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो वही करते हैं, ग्राइंडिंग लैंड्स में भी ग्राइंड करने के लिए निकलना पड़ेगा। डिपार्ट में जाऊँगा एंशिएंट फॉरेस्ट में, देखते हैं क्या क्या हो सकता है। ओके पहुंच चुका हूं मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले तो मैं आइटम्स चेंज करना चाहूँगा, गैदरिंग वाले में लगा दूँगा मैं, ताकि जो भी मिले अच्छे खासे लेवल पे मिले। अरे हाँ, एक और चीज़ मैं भूल ही गया, लॉन्ग स्वॉर्ड चाहिए मेरे को, ग्रेट स्वॉर्ड नहीं चाहिए, क्योंकि बार बार क्या कहते हैं कुछ तो भी वो जैगरास वगैरह आ जाते हैं। और क्या क्या चाहिए, चलो ग्रेट क्या कहते हैं एंशिएंट फॉरेस्ट पे चलते हैं। कूलू यकू है यहाँ पे, एंजनाथ है यहाँ पे, बहुत सही। तो एंजनाथ को एक दो बार फ्लिंच शॉट मार के देखूंगा, देखते अगर उससे कुछ नया आइटम्स वगैरह मिलता है कि नहीं। और ये देखो यार, देख सकते हो सामने ही एकदम स्पॉन हो गए पड़े हुए क्रिस्टल्स वगैरह, तो जाके लूट लेता हूँ मैं। रेड कलर का माइनिंग आउटकॉर्प है, इसका मतलब ये है कि सबसे जो रेयरेस्ट लेवल का माइनिंग आउटकॉर्प होता है वही है। और यहाँ पर कुछ देखने लायक तो है नहीं। एंजनाथ जो है वो आगे की तरफ है, लेकिन अभी मूड नहीं है मेरा आगे जाने का। सबसे पहले तो पेड़ों पर चढ़ के देखता हूँ यहाँ पर कुछ अलग सा होगा कि नहीं। बहुत सही, बोन पाइल है, बोन पाइल देख ही सकते हो अभी उसका साइज़ कितना बढ़ चुका है। कुछ तो भी रेयर मटेरियल मिला पक्के से। गाइडिंग फॉरेस्ट ड्रैगन बोन, ओके नाइस। एक और रेयर मटेरियल, जाइंट बोन पाइल, ये कहाँ पर है अभी। तो बेसिकली क्या होता है ना, जाइंट बोन पाइल्स क्या होते हैं कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मटेरियल्स मिलते हैं वहाँ पे। वैसे क्योंकि मेरा जो आर्मर है वो क्या कहते हैं लक बेस्ड आर्मर है, जो चांसेस ज़्यादा देता है रेयर चीज़ें कलेक्ट करने के लिए। बट हाँ, अगर ग्रेट ड्रैगन बोन मिल ही गया, ग्रेट ड्रैगन बोन नहीं, अगर ग्रेट बोन पाइल मिल ही गया जाइंट बोन पाइल वगैरह से, तो क्या ही कहने फिर। लेकिन वो बोन पाइल मिलेगा कहाँ पे वो नहीं पता, अंदर जा कर के देखते हैं। यहाँ पर तीन चार बिल्ले हो सकते हैं, वहाँ से ग्रीन कलर के एरो से मुझे पता चल रहा है। ओके यहाँ पर देख सकते हो यार, ग्रेट बोन पाइल पड़ा हुआ है, तो इसको कलेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो यही रहता है, जैसे ही ग्रेट बोन पाइल स्पोन होता है ना, वैसे ही बाकी के बोन पाइल्स का जो लेवल है वो लेवल 1 पे एकदम चला जाता है, राइट। और फिर वहाँ से बार बार चीज़ों को और कलेक्ट कर करके अपना जो लेवल है उसको आगे बढ़ाना पड़ता है। इन बिल्लों से बात करनी पड़ेगी, चलो कर लेते हैं। कैसे हो बिल्ले, ये देखो बांकर बिल्ला वहाँ पर कबीले वाला इशारा कर रहा है। गैंग मेंबर से ये लोग लिटरली गैंग साइंस वगैरह डालते हैं, बट ठीक है वो हो गया। आगे की तरफ चल के देखते हैं, एंजनाथ को मारना है मुझे। राइट राइट राइट, ओके क्रिस्टल्स है यहाँ पे, तो क्रिस्टल्स को भी मार लूँगा।
कुछ तो भी बड़ा मिला है इसको। जाइंट माइनिंग नोड्स भी अपीयर होने लगे। अब जाइंट माइनिंग नोड्स कहाँ मिलेंगे? जहाँ तक मुझे लगता है जो भी जाइंट चीज़ है वो छुपी हुई रहती है, तो फिर से मेरे को ऊपर चढ़ के उसी जगह पर जाना पड़ेगा जहाँ पर मुझे ग्रेट बोन पाइल मिला था। नाइस, ये भी हो गया। ऊपर चढ़ के देखते हैं। बोन पाइल्स एकदम से गायब ही हो गया अभी तो, एक बार जाइंट बोन पाइल स्पॉन हो गया तो। ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पर जाके फिर से देखता हूँ मैं। मकड़ी का जाला फिर से आ चुका है। ओके, बोन पाइल एक यहाँ पर है, तो देख सकते हो यहाँ पर अभी येलो बोन पाइल है, राइट? तो मतलब लेवल 1 से फिर से शुरू करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर नहीं है। बिल्लो के पास होगा क्या क्रिस्टल वगैरह? ये देख सकते हो यार, ये जाइंट माइनिंग क्रिस्टल आ चुका है। कोई भी जाइंट माइनिंग क्रिस्टल जो भी होता है उसे सिर्फ एक ही बार फार्म कर सकते हैं। जाइंट बोन पाइल का भी वही रहता है। तो चलो यार, बहुत फार्मिंग वगैरह होगी। एंजनाथ को एक बार मारने निकल चलते हैं। तो वो है कहाँ पे? वो है इस कैंप के पास। तो सबसे पहले कैंप में जाऊंगा और डायरेक्ट कूद जाऊंगा उसके ऊपर। बढ़िया, डायरेक्शन कौन से में है वो? यहाँ पर है? नहीं, शायद नीचे की तरफ होगा। चलो कूद जाते हैं यहाँ से। वो रहा है अंजनाथ। नाइस, देखते हैं इससे कौन सा नया मटेरियल पहले मेरे को मिलता है। फिर से फोर साइड, बहुत ही बुरा पड़ा वो। कर क्या रहा था मैं? मैं ये चीज भूल गया कि मैं अपना कॉम्बैट आर्मर लेके नहीं आया। कॉम्बैट आर्मर लेके आना चाहिए था, बट खैर कोई दिक्कत नहीं। गाइडिंग लैंड की बेस्ट बात यह है कि मैं जितना जितना बार चाहूँ उतना बार मर सकता हूँ। बहुत सही टाइम पे। शॉट भी अच्छा पड़ा है। यार शॉट नहीं लगा। शिट, कोई नहीं, इसके मटेरियल्स कलेक्ट कर लेता हूँ मैं। फियर्स ड्रैगन वेन बोन, कुछ नया नहीं है। लग जा। नहीं 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 नहीं, अरे एक्साइटेड हो गया था मैं। ओहो, गलत टाइम पे लिया स्प्रिट फ्लैश। मैं उसके नीचे था भी नहीं। थैंक्स बिल्ले। कोई दिक्कत नहीं, फिर से लाइट स्पिरिट स्लैश में मिस्टेक। अरे भाई, मैंने
सोचा भी नहीं था, उम्मीद नहीं थी मुझे इसकी। खैर कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया टाइम पे लाइट स्पीड स्लैश। उसका एग्रो खत्म हो चुका है, तो शायद मैं उसको एक और बार वॉल बैंक दे सकता हूँ। क्या कर रहा है ये? ओके। नाइस। पार्ट ब्रेक मिला है मेरे को, काफी सारी चीजें मिली है यहां पर पे। यार ये डैमेज मेरे को लगा कैसे, मेरे को समझ ही नहीं आया। ओहो कूल यार तू यहां पर। थोड़ा पहले मैंने लगा दिया लाइट स्प्रिट स्लैश। नाइस, लाइट स्प्रिट नहीं सॉरी, अब सही था, सही बहुत सही। कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगा टेंडराइज वाले हिस्से में मार सकता हूँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गुस्सा आ चुका है इसको। तो देख सकते हो यार, मैं उसके रोज से ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ रहा है मेरे को। रोज से इसलिए असर नहीं पड़ रहा है क्योंकि अपने साथ वाला जो एक पैलिको था ना, उसने कोरल बोंगो बजाया था। तो कोरल बोंगो बेसिकली एक और पैलिको इक्विपमेंट है, राइट? और उससे अलग अलग तरीके के बफ्स मिल सकते हैं। तो मेरे को ईयर प्लग्स का बफ मिला, बहुत ही सही बफ है। कोई भी कितना भी दहाड़े जानवर, मेरे को कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पर कुछ तो भी नई तरह की क्रिस्टल है, देख सकते हो। उसको कलेक्ट कर लूँगा मैं। ड्रैगन वेन कोल ही है, अच्छा वेस्टलैंड क्रिस्टल, कुछ तो भी नया मिला, चलो अच्छा है। म्यूकस वगैरह भी मैं कलेक्ट कर ले रहा हूँ क्योंकि इन सबको कलेक्ट करने के भी पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं। और यहाँ पर फुटप्रिंट्स भी देख सकते हो। पासा 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 डायनासोर, नाइस। लंबी छलांग मारने वाला ही है, लगाई था फिर से। चलो यार, बड़े चिकन को अपने ने नीचे गिरा दिया, इसके सर पे अभी वार करूंगा मैं। पार्ट ब्रेक मिल चुका है मेरे को, एलिमेंट ऑफ कर दिया मैंने इसका, बहुत सही। शॉट लगा सकता हूं लेकिन पहले शार्पन कर लूंगा। नहीं नहीं नहीं,
ठोकर दे सकता हूँ। बहुत सही, मारना तो मेरे को शक्ल पे ही है। दूसरा बिल्ला चला गया लगता है, और उसके जाने की वजह से ही जितने भी सारे बफ्स वगैरह उसने दिए थे वो खत्म हो गए। अंजनाथ का ये मूव मेरे को अब तक कभी समझ नहीं आया, क्योंकि क्या ही बताऊं मैं, उसका हिटबॉक्स कहीं और होता है, लगती कहीं और है। इनफैक्ट उसका पूरा शरीर एक हिटबॉक्स बन जाता है बड़ा सा। अरे यार गलत टाइम पे मैंने डाला। गाइडिंग लैंड्स का यही रहता है कि नॉर्मल से नॉर्मल मॉन्स्टर्स भी बहुत ज्यादा ताकतवर बन के आते हैं। ओहो एलिमेंट ऑफ नाइस, छक चुका है। अरे यार नहीं 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 पासा। ओहो किस्मत अच्छी थी, ज्यादा दूर गिरा नहीं वो। फियर स्पून वगैरह मिले पड़े यहाँ पे, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा मेरा हंटर बार बार स्लिंगर एमो क्यों उठा रहा है। ठीक है ये हो चुका है, चलो फिर से चलते हैं अंजनाथ के पास। नहीं अंजनाथ के पास नहीं, सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने कैंप पे और अपने रिसोर्सेस को कर लूंगा मैं रीफिल। आइटम बॉक्स, मैनेज इक्विपमेंट्स, नाइस। जैसे मैं इसको कैप्चर करता हूँ मेरी एंशिएंट फॉरेस्ट का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा तो नहीं, एटलीस्ट एक लेवल तो बढ़ ही जाएगा, और मेरे को उसको छह। ओह देखो तो कौन आए है, बहुत सही। तो यार ये काम करता हूँ, जिनोगर को थोड़ी देर बाद आगे देखूंगा, क्योंकि कहीं पर चार्ज द डेथली शॉकर। तो यार मैं तुम्हें बता दूँ चार्ज डेथली शॉकर जो है एक और बहुत ही क्या कहते हैं अच्छा मटेरियल है। तो अंजनाथ पास में ही लग रहा है कहीं पर, तो हाँ वो देखो वहाँ पर लेटा हुआ है सामने एकदम। तो उसके पास जाके जल्दी से इसको कैप्चर कर लेता हूँ, और एक बार इसको कैप्चर कर लिया उसके बाद जिनोगर के पास जाऊँगा, जिनोगर की बजाऊँगा। चलो ये हो चुका है ख़त्म, चलते फिर से जुनोगर के पास। म्यूकस कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हटाओ अभी। कोलू या को किसी का तो भी अंडा चुरा के भागा है यार, देख ही सकते हो। और जितना मुझे लगता है अंजनाथ का ही अंडा था वो, अंडा खा। ओ कितना इमर्सिवनेस है यार देखो गेम में। इधर आ जुनोगर, इधर आ,
एक और चार्ज डेडली शॉकर। सही टाइम पे मैंने डॉज नहीं किया। फोरसाइट एक और बार मैं उसको शायद वॉल बैंक दे सकता हूँ। दे दिया, नाइस। सही टाइम पे डॉज रोल था। अरे यार मैं भूल गया था कि उस पोजीशन से मैं फोरसाइट लगा नहीं सकता। खैर कोई दिक्कत नहीं, हील कर लेता हूँ मैं खुद को जल्दी से। एक और बार, बहुत सही। अरे भाई जब भी इसको इस पोजीशन पे मारते हैं ना तब एक कार्टून की तरह वो गिरता है नीचे। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। बहुत सही। इधर जिनोगर, नाइस। थोड़ा इस तरफ देख। तो एक दो तीन, नाइस। और बिल्ला देखो यार, कब से मेरे को हेल्प करने के लिए आया पड़ा है और मैं ही इसके हेल्प से भागे जा रहा हूँ। फिर से मेरे से मिस हो गया। जोगर का मटेरियल, नाइस। तो यार इस आर्मर का बेस्ट फायदा तो ये है कि कोई भी पोशन भी मेरे को 3 मिले है तो कुछ भी मैं कलेक्ट करूं उससे क्या कहते हैं, एक या दोगुना ज्यादा मिलता है मेरे को। भले ही डैमेज कम हो, बुरा था वो, मेरी ही गलती थी वो, मेरे से मिस हुआ वो शॉट, बुरा मूव। इधर आ जिनोगर, इधर आ। हेलबेकर, कैसे यार कैसे, कॉन्फिडेंस था मेरे को पूरा पड़ेगा, फिर से नहीं। सही टाइम पे डॉज रोल। बढ़िया,
फोर साइड से हेल लेकर। अरे क्या बात है यार, हंटर इंस्टिंक्ट्स जाग गए मेरे तो। चीजें कलेक्ट कर लेता हूं मैं। अरे भाई बुरा पड़ा मेरे को, बहुत ही गंदा वाला पड़ा मेरे को। एक बार बस, नाइस। थोड़ी जल्दी रोल कर गया मैं। इससे पहले कि कुछ हो मैं इसकी चीजें उठा लेता हूं। रेड पिट क्यों यार, बहुत सही। एयर प्रेशर सीरियसली। नहीं 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 नहीं, एक और बार स्लिंग शॉट। बढ़िया, सिनोगर लगता है लोकेशन चेंज करने वाला है अपनी। नाइस, दो ड्रैगन विंड सॉलिड बोर मिले हैं। और वो देखो यार, बैन ब्रो भी यहां पर आ चुका है, लेकिन मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। बैन ब्रो यूजुअली डोसाइल होते हैं, कुछ करते तो नहीं है, लेकिन इस बार मेरी ही तरफ आ रहा है वो। खैर एग्रोड नहीं है, एग्रोड होता तो मेरी तरफ भग के आता। धीरे धीरे आ रहा है, जिनोगर भी अभी तक एग्रोड नहीं है, अच्छी बात है। एक और फ्रिज शॉट, बैन ब्रो यहां पर आ चुका है। टर्फ वॉर होगा। अरे काइको बैन ब्रो मेरे को की। थैंक्स बिल्ले। अनोइंग प्राणी मेरे को यही लगता है बैन ब्रो, कहीं पर भी कभी भी आ सकता है। आई मीन मिस्टर नाइकॉन भी मेरे को इतना अनोइंग नहीं लगता जितना बैन ब्रो लगता है। खैर बच गया मैं। एक और सवारी ले चुका हूं जिनोगर की। बहुत ज्यादा स्टैमिना खत्म हो गया वहां पे, क्योंकि जंप लगाई थी उसने जितना मुझे लगता है। जंपिंग के टाइम पे यूजली अगर मैं पोजीशन चेंज करता हूँ तो स्टैमिना जो है वो मेंटेन नहीं ले रहता। जंपिंग के टाइम पे ब्रेस करना नेसेसरी है, पर खैर इतनी जल्दी हो गया। जिनोवर की हेल्थ कम, नाइस। एंशिएंट ग्रेट हॉर्न, ओके। जिनोगर सोने जा रहा है, लेकिन कहाँ पे देख रहे हो यार, ये कितना बड़ा
इतना बड़ा पत्थर फेंका है बहन ब्रो ने, टूट भी नहीं रहा। खैर कोई दिक्कत नहीं, जिनोगर की तरफ चल लेते हैं। क्राफ्ट कर लेता हूँ एक शॉक ट्रैप। शॉक ट्रैप है मेरे पास? शॉक ट्रैप मुझे नहीं लगता है। तो चलो चल लेते कैंप में, जिनोगर को भी कैप्चर कर लूँगा। आइटम बॉक्स, मैनेज आइटम्स, लोड आउट टू, नाइस। होपफुली जिनोगर जो है वो सो रहा हो। हाँ यार एक दिक्कत है कि जिनोगर अभी फिलहाल लाइटिंग मोड पे है, तो उसको मैं बिजली वाले शॉक ट्रैप से कैप्चर नहीं कर सकता, तो वो एक दिक्कत आ जाती है। तो मैं क्या करूँगा ना, बिजली वाला शॉक ट्रैप को छोड़ के आऊँगा और मैं बेसिकली दूसरा वाला एक शॉक ट्रैप रहता है जो कि गड्ढा बना के मॉन्स्टर को ट्रैप करता है, अगर नॉर्मली समझाऊँ तो, बट वो मुझे नहीं लगता मेरे पास है। तो मैं उसको क्राफ्ट करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं मेरे पास उतने इक्विपमेंट्स है कि नहीं। पिटफॉल ट्रैप, पिटफॉल ट्रैप के लिए चाहिए नेट, नेट के लिए चाहिए आईवी और स्पाइडर वेब। स्पाइडर वेब है नहीं मेरे पास, खैर ठीक है, स्पाइडर वेब कहीं से तो कलेक्ट करना पड़ेगा। स्पाइडर वेब मुझे नहीं लगता कि मैं हार्वेस्ट भी कर सकता हूँ। खैर ट्रेल राइडर आ जाओ। जिनोगर के पास मैं मार्क कर दूंगा, और एक बार जिनोगर के पास मार्क हो जाए तो ट्रेल राइडर मुझे वहीं तक लेकर चलेगा। तो ये काफी कन्वीनियंट सा रहता है। यूजुअली कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जिसको चढ़ चढ़ के पार करना पड़ता है, तो इसमें उस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो शॉक ट्रैप मैं इधर लगा नहीं सकता, तो मैं एक काम करूँगा, शॉक ट्रैप को बस इक्विप करके रखूँगा। ओहो यहाँ पे वेव्स वगैरह आ रही है। खैर कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही जिनोगर की बिजली खत्म होती है ना, मैं उसको शॉक ट्रैप मारूंगा। इधर आ जिनोगर, उसको एक वॉल बैंड दे सकता हूं मैं शायद से। इस तरफ देख, इस तरफ देख, नाइस, बहुत सही। और मुझे लगता है उसको डॉक्टर आप देने से पहले ही मैं उसको ख़त्म ही कर दूंगा। उसकी हालत देखकर तो लगता नहीं कि वो बच पाएगा। ओहो दे सकता हूँ, दे सकता हूँ डॉक्टर आप दे सकता हूँ। इधर आ जिनोगर, एक दो, यार ये कैप्चर नहीं हुआ, ये कमज़ोर नहीं हुआ, जिनोगर कमज़ोर नहीं हुआ है। ये अजीब बात है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गलत है, खैर कोई नहीं। उसको शायद समय एक और वॉल बैंक दे सकता हूं प्रॉबेबली, और देखते वॉल बैंक के बाद इसका स्टाइलिश प्ले था वो। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया यार कि कैप्चर करने को निकला था मैं जिनोगर को, बट ठीक है क्या ही कर सकते हैं, अभी कैप्चर नहीं हो पाया। बोन पाइल भी स्पॉन हो चुका है, जिनोगर भी स्पॉन हो चुका है। चलो देखते हैं इससे क्या क्या लूट मिलती है।
और एक बार जाके फिर हैंडलर को रिपोर्ट करना है। तो एक बार वो हो गया तो होपफुली होपफुली कुछ नए ऑगमेंटेशंस तो मिल ही जाएंगे गेम में। और अगर हो सके तो मैं क्या कहते हैं, इन्हीं से रिलेटेड, इन्हीं आर्मर से रिलेटेड कुछ तो भी एक नया आर्मर बनाऊंगा जिसमें एटलीस्ट क्या कहते हैं, हेल्थ थोड़ी सी जल्दी रिकवर हो सके और जियोलॉजिस्ट और बोटानिकल भी मेंटेन रहे। चलो ये भी हो गया, माइनिंग आउटक्रॉप भी फार्म कर लेता हूँ। ओके ओके चल के देखते हैं कैंप में, देखते हैं क्या बचता है क्या नहीं बचता है। ओके रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन, जिनोगर के काफी सारे पार्ट्स मुझे मिल चुके हैं यहाँ पे। स्टोन थ्रोअर अटैक बुरा नहीं है, पॉइजन कोट, स्टोन थ्रोअर अटैक, यार दो दो स्टोन थ्रोअर अटैक कुछ अच्छा एटलीस्ट दे ही देते। अटैक ज्वेल जो है, जो डबल लेवल अटैक देता है, वो इस गेम का सबसे सबसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट ज्वेल है। तो अभी मैं क्या करूँगा, एक्सपीडिशन से निकल लूँगा, देखूँगा जा करके कि नई चीज़ों का कुछ फ़ायदा है कि नहीं। ओके ऑगमेंट हेल्थ बूस्ट, यार अभी तक कुछ नहीं मिला। स्लम्बरिंग ग्रेट बोन मुझे मिल चुका है तो एटलीस्ट वो एक सही चीज है। पूके पूके की जरूरत है, और ये क्या चीज है मुझे नहीं पता, ये येलो कलर का जो भी है। खैर कोई दिक्कत नहीं, तो एक बार चेक कर लेता हूँ अपने गाइडिंग लैंड्स का लेवल क्या है और देखूंगा कि और क्या क्या चीज मैं अपग्रेड कर सकता हूँ। पार्ट में देखूंगा, फॉरेस्ट लेवल 2 पे है, वाइल्ड फायर बेस लेवल 2 पे है, कोरल हाइलैंड्स लेवल 3 पे है, तो कोरल हाइलैंड्स को सबसे जल्दी से मैं बढ़ा सकता हूँ। मैं ये भी देख रहा हूँ कि वॉल्केनिक रीजन लेवल 2 पे है, मेरे को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, एक सेकेंड, ऐसे नहीं, गाइडिंग लैंड्स में जाऊँगा, एडजस्ट रीजन लेवल्स में जाऊँगा। वॉल्केनिक रीजन जो है लेवल 1 पे अभी नहीं डालूंगा, सबसे पहले तो होरो फ्रोस्ट रीच को लेवल 1 पे डालूंगा क्योंकि उसकी मुझे कोई, आई मीन ऑनेस्टली कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट वाइल्ड स्पायर वेस्ट को भी लेवल 1 पे डाल दूंगा क्योंकि सबसे मेन प्रायोरिटी जो मेरी है वो है कोरल हाइलैंड्स और एंशिएंट फॉरेस्ट, तो उन्हीं दोनों को अगर मैं सबसे पहले लेवल अप करूँ तो बेटर रहता है। देख ही सकते हो साइड में आ चुका है टंड्रा रीजन, लेवल 2 से लेवल 1 हो गया, वाइल्ड फायर जो है लेवल 2 से लेवल 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ज्वाइन करूंगा गाइडिंग लैंड्स में, देखते हैं और कोई और है कि नहीं, कोई नहीं है। एक बिल्ड भी बना ही लेता हूँ टाइम रहते ही, जितना हो सकता हो, ठीक है। तो देखता हूँ मेरे इस बिल्ड में क्या क्या है। बोटेनिस्ट लेवल 4 चाहिए और जियोलॉजिस्ट लेवल 3 चाहिए, ठीक है। और क्या क्या है मेरे पास, किरीन्स डिविनिटी है, हाई चांस ऑफ इंक्रीज क्वेस्ट रिवॉर्ड्स, क्वेस्ट रिवॉर्ड्स इसमें ज़्यादा मिलते हैं, तो बेसिकली इसका लक से ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं, तो मैं किरीन आर्मर को हटा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोटानिस्ट और जियोलॉजिस्ट मुझे लेवल फुल चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते, चेंज इक्विपमेंट में जाऊँगा और सबसे पहले तो इसमें जाके मैं देखूंगा,
मैराथन रनर, चलो किरीन का ही रहने देते, किरीन का सबसे बेटर स्टार्स दे रहा है मेरे को। हाँ रिकवरी अप इसका ये ले लूँगा और फेल्स श्राउड ब्रेसेस ले लूँगा सुपर रिकवरी के लिए। किरीन का ब्लाइट रेजिस्टेंस ले सकता हूँ, इसका ये भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। हेल्थ बूस्ट 3 या फिर एक काम करता हूँ, चेंज इक्विपमेंट में जा करके सबसे पहले तो मैं टेस्टिंग इक्विपमेंट को ग्राब करता हूँ राइट, और इसके बाद जा करके यहीं के मैं डेकोरेशंस वगैरह चेंज कर दूंगा। ओके यार मैंने कुछ तो गलत किया, मैंने शायद टेस्टिंग इक्विपमेंट अलग से ही सेव कर दिया, तो चलो वो गलत हो गया वो, खैर कोई दिक्कत नहीं, फिर से चेंज कर लूँगा और शायद फिर से इक्विपमेंट वगैरह बनाने पड़ेंगे। सर डेकोरेशन में जाऊँगा, डिस्ट्रॉयर विजन डिस्ट्रॉयर प्रोटेक्शन, चलो अच्छा है ये दोनों तो ऑलरेडी है, और क्या था ब्लाइट रेजिस्टेंस लेना था मेरे को। कुछ कभी कभी होता है कि कुछ कुछ चीज़ें इस तरीके से उल्टी सीधी हो जाती है। रिकवरी अप हो चुका है और स्पीड ईटिंग भी चाहिए, स्पीड ईटिंग कहाँ पर है, यहाँ पे गॉबलर ज्वेल 1, 2 और ये 3, नाइस स्पीड ईटिंग लेवल 3 आ चुका है। और क्या चाहिए, इवेजन विंडो चाहिए मुझे, स्किल्स में जाऊँगा, ब्लाइट रेजिस्टेंस भी भर लेता हूँ, चीज़ें कहाँ कहाँ पर रहती है, कौन से स्किल्स कब कब अनलॉक हो जाते हैं वो समझ ही नहीं आता, तो स्किल्स की पोजीशनिंग बार बार चेंज होती रहती है। खैर स्टैमिना सर्च इवेंट विंडो यहाँ पर है देख सकते हो, डिस्ट्रॉय इवेजन ऑलरेडी लगा रखा है, ड्रेन इवेजन नहीं चाहिए, शीत इवेजन यूज़ कर सकता हूँ मैं, तो ये लगा लूँगा मैं, देखता हूँ इवेंट विंडो कितना है, इवेंट विंडो लेवल 2 पर है अभी, और भी बढ़ाना है इसको, ये लगा लिया इविजन ज्वेल, लेवल 3 हो चुका है इविड विंडो, अभी एक और चाहिए मुझे, रिफ्रेश शैटिएटेड इविजन, चलो यही लगा लेता हूँ। और क्या हो सकता है यहाँ पे, पार्ट ब्रेकर एक और ले सकता हूँ मैं, लेकिन डिस्ट्रॉयर इविजन एक ही है मेरे पास। रिकवरी स्पीड बढ़ाने के लिए रिकवरी अप है ये, तो रिकवरी स्पीड के लिए भी मैं देखता हूँ अगर कुछ होगा तो। हेल्थ बूस्ट रिकवरी स्पीड यहाँ पर, रिकवरी ज्वेल देख सकते हो यहाँ पे, तो मैं इसको भी पहन लूँगा, ये शायद से मैं बहुत ही अलग सा ही क्या कहते हैं बिल्ड बना रहा हूँ जो पहले से था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसको शुरू में फिर से मुझे सेव करना पड़ेगा। और क्या क्या हो सकता है, लेवल 1 का एक है और एक लेवल 4 का है, स्टेड फीस डालना था मेरे को, मैं ऑलमोस्ट भूल गया था राइट, स्टन रेजिस्टेंस स्टेड फीस, बहुत सही। आप देखते हैं रिकवरी स्पीड है, इवेड विंडो है, स्टन रेजिस्टेंस है, हेल्थ बूस्ट है, रिकवरी अप है, ब्लाइट रेजिस्टेंस है, पार्ट ब्रेकर वगैरह भी है, क्विक शीट भी है, चलो इसको सेव कर देता हूँ मैं। चेंज इक्विपमेंट यहाँ पर, सेव इक्विपमेंट टू दिस लोड आउट, नाइस। ओके तो इसी में मेरे को एक नया लोड आउट बनाना है, तो सबसे पहले मैं जाऊँगा डेकोरेशंस पे, और इस नए लोड आउट में बेसिकली मेरे को बनाना है एक ऐसा लोड आउट जो कि मैं यहाँ पे क्या कहाँ पे गाइडिंग लैंड्स में यूज़ कर सकूँ, तो बेसिकली मेरे को चाहिए जियोलॉजिस्ट, सबसे पहले तो जियोलॉजी ज्वेल लेवल 1, देखते इसमें कितना मिला है मुझे, तो जियोलॉजिस्ट ऑलरेडी फुल हो चुका है। बोटनिस्ट चाहिए अभी मेरे को लेवल 4, नाइस, एक और लेवल 4 बोटनिस्ट मिल जाए तो अच्छा है, यहाँ पर है। ओके जियोलॉजिस्ट बोटनिस्ट लेवल 4 तक हो चुका है, नाइस। अब बस इवेजन विंडो भर देना है मेरे को,
इवेजन विंडो, डिस्ट्रॉयर इवेजन, ये अच्छा है। मेरे को एक और पार्ट ब्रेकर चाहिए था यार, पता नहीं क्यों मुझे मिल नहीं रहा है। खैर कोई दिक्कत नहीं, फ्लाइट इवेजन ये भी अच्छा है, शीथ इवेजन भी अच्छा है। शीत की जगह मुझे लगता है सैटिएटेड ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि फ्री मील कभी कभी मिल जाता है मेरे को वहाँ पे। इवेजन ज्वेल, तो इवेड विंडो 4 लेवल तक हो चुके हैं, और क्या क्या चाहिए रिकवरी के लिए। राइट, सबसे पहले तो मैं ले लूँगा स्पीड ईटिंग। गॉबलर ज्वेल 1, 2 और 3। राइट, और स्पीड ईटिंग हो गया, रिकवरी अप, और रिकवरी स्पीड के लिए एक एक चाहिए। रिकवरी अप, उसके लिए एक मेडिसिन, और रिकवरी स्पीड के लिए, रिकवरी स्पीड के लिए कुछ है नहीं मेरे पास। स्लॉट लेवल पे जाके देखता हूँ लेवल 1 पे क्या क्या है। प्रोटेक्शन, डिफेंस, स्टेडफेस्ट ही लगा लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा स्टन रेजिस्टेंस मिल जाए तो क्या ही है। एक काम करता हूँ, इसकी जगह ब्लाइट रेजिस्टेंस लगा लेता हूँ। क्योंकि ब्लाइट रेजिस्टेंस स्टन रेजिस्टेंस से तो बेटर ही है। रजिस्टर्ड ज्वेल, ठीक है, इसको मैं चेंज इक्विपमेंट में जा करके सेव करूँगा गाइड ग्राइंडिंग लैंड्स के नाम से। गलत स्पेलिंग हो गया, इग्नोर करें उसको। ग्राइंडिंग लैंड्स, आज के लिए बस सोच रहा हूँ यहीं पर कंप्लीट करता हूँ यार। तो उम्मीद करता हूँ तुमको एपिसोड पसंद आया होगा। अरे हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, वेपन्स में जा करके समझ ही सकते हो क्या करने वाला हूँ। चार्ज ब्लेड क्राफ्ट करना है मेरे को, रेजिंग ब्रैकिडी है उसका, तो नीचे आ चुका हूँ। रेजिंग इमोर्टल रिएक्टर चाहिए। खैर ठीक है यार, आज के लिए इतना ही कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो तुमको पसंद आई होगी, पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ आज का ग्राइंड तुमको कैसा लगा। काफ़ी लंबा था तो टाइम देना पड़ा, लेकिन आज रैंडम्स के साथ खेल के काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि रैंडम्स पे काफ़ी स्किल्स थे। तो चलो यार, इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ, और मैं तुम्हें मिलता हूँ मॉन्स्टर हंटर के अगले एपिसोड में।